चलो तो माफी चाहूंगा सेशन को थोड़ा सा डिले होने के लिए। वेरी गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, नमस्कार सभी को। तो आज का जो हमारा जो सेशन है वो है एमसीक्यू ऑन इंडियन ज्योग्राफी का, जो रिवर टॉपिक है, रिवर्स वाले टॉपिक पे हम लोग एमसीक्यू ले रहे हैं आज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अन अकेडमी के रिचुअल्स को। अन अकेडमी रिचुअल्स क्या है? सबसे पहले कुछ चीज़ें फॉलो करनी पड़ती हैं अन अकेडमी पे, तो उस रिचुअल्स को मैं फॉलो कर लेता हूँ। मैं रोहन हिमांशु जी आप सभी का स्वागत करता हूँ। आप मुझे फॉलो कर सकते हो टेलीग्राम पे। अगर आप लोगों को मेरे यूट्यूब लिंक से जितने भी वीडियोज़ आते हैं, जितनी PDF आती हैं, वो सब आपको वहाँ पर अवेलेबल हो जाती हैं। तो ये फ़ायदा होगा अन अकेडमी इस पर टेलीग्राम पर फॉलो करने का। आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं फेसबुक पर, तो फेसबुक पर भी मैं अवेलेबल हूँ। और ये मेरी कुछ क्रांतियाँ हैं जो समय समय के साथ आप लोग देख लेंगे। तो सब्सक्रिप्शन लेने का यहाँ पर एक बेहतरीन मौका है। 28 अप्रैल से पहले आप लोग अगर सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं तो आपको एक्स्ट्रा जो टाइम है वो मिल जाता है। अगर आपको लगता है कि मुझे अभी 2 साल की प्रिपरेशन करनी है या 1 साल की प्रिपरेशन करनी है बहुत डेडिकेटली तरीके से, तो अनअकैडमी ये कहती है आपको कि 1 साल का सब्सक्रिप्शन लो आप लोग, कोई टेंशन नहीं है आपका। जब तक प्री नहीं हो जाता तब तक आप लोगों को बेनिफिट मिले मत। 1 साल का सब्सक्रिप्शन पे आप लोगों को एक्स्ट्रा 3 और 4 मंथ्स जो हैं वो आपको मिल जाएंगे, ये यहाँ पर अन अकेडमी कह रही है। और उसी तरीके से अगर आप 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 2023 तक आप लोगों को, जब तक प्री नहीं हो जाता तब तक आप लोगों का ये सब्सक्रिप्शन वैलिड रहेगा। उसके लिए आपको क्या करना है, सब्सक्रिप्शन लेओगे तो उस समय आपको एक कोड पूछेगा, कोड अप्लाई करोगे तो 10% इमीजिएटली डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। तो मेरा कोड अप्लाई कर दो, 10% इमीजिएटली डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। यहाँ पर 20 बुक्स अल्टीमेट सरप्राइज की जो अन अकेडमी के एक्सपर्ट ने बनाई है, वो अन अकेडमी के एक्सपर्ट जो है वो 10,000 के आसपास की वो बुक की कीमत है। अगर आप लोग 1 साल का सब्सक्रिप्शन ले लेते हो तो आपको ये किताबें फ्री में मिल जाती हैं। और ये जो ऑफर है ये 28 अप्रैल तक वैलिड है, तो थोड़ा सा जल्दी करें ताकि ये ऑफर खत्म ना हो जाए। उसके बाद अगर आपकी यूपीएससी जो है एक ड्रीम है और यूपीएससी को लेकर के आप लोग आगे बढ़ना चाहते हो और आपके पास पैसा नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, यहाँ पर अनअकैडमी अब आपको लोन भी प्रोवाइड कर रहा है और बहुत ही हैजल फ्री लोन है। आइए बात कीजिए, 2 घंटे के अंदर अप्रूवल लीजिए, फ्लेक्सीबल टेन्योर है, कोई टेंशन नहीं है, धीरे धीरे पैसा जो है आप अनअकैडमी को देते जाइए। तो ये एक चेज योर ड्रीम करके अनअकैडमी लेकर के आई है। लाइव क्लासेस, टेस्ट क्विजेस जैसे आज हम देख ही रहे हैं, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेस में मतलब एग्जाम से रिलेटेड ही जो सिलेबस है वही आप लोगों को मिलता है और अनलिमिटेड एक्सेस, एक बार सब्सक्रिप्शन ले लो मजा नहीं लाइफ। तो ये आपको अनअकैडमी देती है, 16,000 से ज़्यादा कोर्सेज अनअकैडमी आपको देती है। सब्सक्रिप्शन लेने का तरीका मैं बता देता हूँ। अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पे जैसे ही जाएंगे तो सब्सक्रिप्शन की एक विंडो जो है वो पॉप आउट होगी और जब ऐसे ही आप लोग वहाँ क्लिक करोगे तो वहाँ पर 2 ऑफर मिलेंगे आपको, प्लस का भी मिलेगा और आइकोनिक पे मिलेगा। किसी पे भी क्लिक करो, प्लान यहाँ बने हुए हैं, उसको मेरा कोड अप्लाई करोगे तो 10% इमीजिएट डिस्काउंट मिल जाएगा। मतलब आपको ये पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर आपको ये पे करना पड़ेगा। तो दिस इज कट, दिस कट, मेरा कोड अप्लाई करने के बाद। सर दोनों में डिफरेंस क्या होगा, आइकोनिक में प्लस में? आइकोनिक में आप लोगों को पर्सनल गाइडेंस और एक्सपर्ट गाइडलाइंस दोनों मिलते हैं, प्लस में इस तरह के DRG कुछ भी नहीं मिलता। तो ये एक पर्सनल बेनिफिट मिल जाता है, एक एक्स्ट्रा एज मिल जाती है, आपके पास ट्यूटर होता है, वो ट्यूटर आपकी हेल्प करता है। ऑप्शनल सब्सक्रिप्शन में भी प्लान बना हुआ है, किसी भी प्लान को चूज करो, मेरा कोड अप्लाई करो, 10% इमीजिएट डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। ऑप्शनल कॉम्बो में आप लोग अप्लाई करो, GS और ऑप्शनल दोनों, मेरा पर्सनल बेस्ट है। अगर आप लोगों को सब्सक्रिप्शन लेना है तो यही सब्सक्रिप्शन लो, 1 से 3 साल तक का सब्सक्रिप्शन इसका अवेलेबल है। कोड अप्लाई कर देना, 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। अनअकैडमी पे 100+ टॉप एजुकेटर आपको मिल रहे हैं। अनअकैडमी टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रही है, कर चुकी है, और मेरा कोड अप्लाई कर देना, अनलॉक हो जाएंगे सारे के सारे कोर्स। उसके बाद बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं 21 अप्रैल से, 3500 MCQ को लेकर के एक बैच स्टार्ट हो रहा है। 1 ईयर 2 ईयर NCERT के बैचेस, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आगे जाके मिल जाएगी। और आखिरी में संडे 11 AM पे डेली, हर वीक संडे 11 AM पे आपको अवेलेबल होना है। स्कॉलरशिप टेस्ट होता है DRG, फ्री रजिस्ट्रेशन है, उसके लिए आपको एनरोल कराना होगा। एनरोल करने के लिए कोड पूछेगा, मेरा कोड अप्लाई कर देना, आप एनरोल हो जाओगे। संडे को 11 AM से पहले 10 या 15 मिनट पहले आप लोगों को एक नोटिफिकेशन जारी हो जाएगी, उस नोटिफिकेशन पर आप आओगे। तो बस आप लोग अपना 1 घंटा टेस्ट दो, उस पर रैंकिंग पाओ। अगर टॉप 3 में आ गए तो सब्सक्रिप्शन पे बेनिफिट 100% जो है फ्री है। आप लोग आइए और ज्वाइन कीजिए, आपको फ्री में सब कुछ मिल जाएगा। अकेडमी को एक्सेस कर सकते हो 1 ईयर के लिए। लेकिन अगर आपकी जो रैंकिंग है 4th से लेकर के 500 के बीच में रहती है तो फिर उस तरह से एक स्लैब बने हुए हैं, 90%, 85% इस तरह की आप लोगों को छूट मिलेगी यहाँ पे। और इसके बाद हम चलते हैं अपने आज के सीरीज पे, आज के टॉपिक के ऊपर। और उस टॉपिक में हम लोग कर रहे हैं एमसीक्यू। एमसीक्यू किस पे कर रहे हैं DRG? एमसीक्यू कर रहे हैं हम लोग। थैंक यू सो मच नीरू। ठीक है, चलो
तो अब हम चलते हैं डियर जी आज के सेशन पे, और हमारा एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर वन है, और क्वेश्चन नंबर वन आपका पोल भी लूंगा, आपको बस टाइम लेना है, समय लेना है, और उसका आंसर बताना है कि उसका आंसर क्या होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरी तबीयत के लिए थोड़ा सा माफी चाहूंगा आप लोगों से, तो थोड़ा सा आज कोऑपरेशन करना। तो क्वेश्चन नंबर वन ये है कि इनमें से आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है करेक्ट है, और वो ये कहता है कि कौन सा फॉलोइंग है जो बेस्ट एक्सप्लेन करता है लोअर रीजन ऑफ रिवर। अब रिवर के तीन कोर्स होते हैं, एक आपका अपर होता है, एक मिडल होता है, एक लोअर कोर्स होता है। तो अपर कोर्स, मिडल कोर्स और लोअर कोर्स। बात ये कह रहा है कि रिवर का जो लोअर कोर्स है वो कई बार क्या होता है, चॉक्ड हो जाता है, वो रुक जाता है, उसमें रुकावट पैदा हो जाती है। किसकी वजह से? सेडिमेंट की वजह से। तो आपको बताना है कि ऐसा क्यों होता है। आपके पास चार ऑप्शन अवेलेबल हैं, और चारों ऑप्शन को आप लोग अच्छे से पढ़ो। ये कहता है कि लोअर कोर्स में जो वैली होती है, रिवर की जो वैली होती है वो काफ़ी चौड़ी हो जाती है। सेकेंड, ये कहता है कि जो वेलोसिटी होती है वो काफ़ी कम हो जाती है रिवर की। और थर्ड, ये कहता है कि जो मुहाना होता है वहाँ पे डेल्टा बनता है। और चौथा, ये कहता है कि इस रिवर से काफ़ी ज़्यादा इरिगेशन को लेकर के पानी निकाल लिया जाता है इरिगेशन सप्लाई के लिए, इसलिए लोअर कोर्स में आप लोगों को जो जो हिस्सा होता है रिवर का वो चॉक्ड हो जाता है। तो बताना है इसमें से कौन से स्टेटमेंट सही है। आप लोगों को मैं 45 सेकंड का समय देता हूँ, 45 सेकंड में आप लोगों को बताना है कि क्या आंसर इसमें से होगा। बेसिकली ये YouTube वालों के लिए नहीं है, क्योंकि YouTube वालों के आप स्क्रीन पे देख सकते हो, तो क्या होगा इसका आंसर वो बताना आपको। बेसिकली ये जो हमारी क्लास हो रही है ऐप पे हो रही है, तो आप ऐप पे स्विच कर सकते हो। ए, बी और सी को लेकर के कंफ्यूज हैं ज्यादातर क्रांतिकारी, और 100% लोगों ने जो आंसर दिया है मैं माफ़ी चाहूँगा यहाँ पे, मैं आप लोगों को पहले बता देता हूँ कि एक्चुअली हमारा जो आंसर है वो सी करेक्ट होगा, और मैंने गलती से इसे डी कर दिया। तो माफ़ी चाहूँगा जिन 40% लोगों ने आंसर सी किया है, दे आर करेक्ट। अगर उनको आंसर देने के दौरान जो है कि दिक्कत आई हो और आपको लगा कि आपने सही आंसर दिया है, तो मैं माफ़ी चाहूँगा, वो जल्दी जल्दी में मैंने ना यहाँ पर आंसर कुछ और कर दिया था। तो जिनके आंसर सी हैं दे आर करेक्ट, और 40% ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने आंसर सी दिया है, तो मुबारक जी, मुबारक। ठीक है, आप लोगों का जो आंसर है वो सही है। तो डियर जी, इसमें जो फोर्थ ऑप्शन आएगा वो ये कहता है कि भाई इरिगेशन। डियर जी खुद सोच के देखो, इरिगेशन का कोई लेना देना है क्या? इरिगेशन से अगर आप लोग पानी निकाल भी लेते हो तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, कोई प्रॉब्लम हो भी होनी भी नहीं चाहिए। इरिगेशन में आपने पानी निकाला, इरिगेट किया आपने एग्रीकल्चर लैंड को, बात खत्म। वो कैसे चॉक्ड कर सकता है किसी रिवर को? और मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा कि नदी के तीन फेज होते हैं। नदी का सर अपर फेस होता है, जो काफ़ी मेच्योर फेस होता है, यंग फेस कह लेते हैं हम, ले से हम इसे यंग फेस कहते हैं। नदी का एक सेकंड फेस होता है सर, जिसे हम लोग मेच्योर फेस कहते हैं, और नदी का एक थर्ड फेस होता है जो लोअर कोर्स होता है, जिसे हम ओल्ड फेस कहते हैं, यानी ओल्ड स्टेज कहते हैं। खुद सोच के देखो, जब हम एज ए पर्सन की अगर हम बात करें तो हमारा जो जोश होता है जवानी में बहुत ज़्यादा होता है, हम ज़्यादा वजन उठा सकते हैं, ज़्यादा भार उठा सकते हैं। लेकिन बुढ़ापे तक आते आते हम देखेंगे कि हमारे जो बोन डेंसिटी है वो कम हो जाती है, हम भार भी जो है ज़्यादातर नहीं उठा पाते हो। तो उसी तरीके से नदियाँ भी तीन फेस में चलती हैं। जब ओल्ड फेस में आती हैं तो एग्जामिनर क्वेश्चन आपसे यही कह रहा है कि लोअर कोर्स में आप लोगों के साथ जो नदी है वो चॉक्ड हो रही है। क्यों चॉक्ड हो रही है लोअर कोर्स के अंदर? तो वो ही आपको यहाँ पर आंसर देना है। तो सर पहली बात तो ये है कि लोअर कोर्स के अंदर जो है नीचे जाते वक्त जो है नदी का जो आकार है वो चौड़ा हो जाता है, यानी नदी अगर अपर कोर्स से आ रही है और उसकी चौड़ाई जो है अगर इतनी ही है, तो मिडल कोर्स में उसकी चौड़ाई बढ़ जाती है सर, और लोअर कोर्स तक आती आती है उसकी चौड़ाई ज़्यादा हो जाती है। तो जितनी ज़्यादा चौड़ाई होगी उसके साथ सेडिमेंट उतना ही आएगा, सेडिमेंट आएगा तो सर सीधी सी बात है नदी की जो स्पीड है वो कम हो जाएगी।
नदी की स्पीड अगर कम हो गई तो अपने साथ जो सेडिमेंट बहा करके लेकर के आई है वो सेडिमेंट को डिपॉजिट करने लग जाएगी, और जब सेडिमेंट डिपॉजिट होएगा तो इसका मतलब है कि नदी आगे जा नहीं पाएगी और नदी यहां से कोर्स बदलने की कोशिश करेगी, और इस तरीके से देखेंगे कि हम लोग इस रीजन में बाढ़ वाली सिचुएशन भी पैदा हो जाती है। तो इसका मतलब फ्लड रीजन भी आ जाता है, नदी का जो मुहाना है वो चौड़ा होने लग जाता है, सेडिमेंट इकट्ठा होने लग जाता है, और कई बार क्या है, मैक्सिमली क्या होता है कि जब यही सेडिमेंट डिपॉजिट होता है तो यहीं पर आप लोगों को क्या बनते हुए दिखेंगे, डेल्टा भी बनता हुआ दिखेगा। तो कई बार आप लोगों को यहाँ पर डेल्टा बनता हुआ भी दिखेगा लोअर स्कोर्स के अंदर। तो इसका मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है, सेकंड करेक्ट है, थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, नदी का लोअर कोर्स चौड़ा हो जाता है, दूसरा वेलोसिटी कम हो जाती है नदी की इसलिए सेडिमेंट अपने साथ लेकर के नहीं जा पाता, और तीसरा जब वही सेडिमेंट किसी एक जगह पे जाकर के डिपॉजिट होता है तो इसी को आप लोग डेल्टा कहते हो, और डेल्टा जो होता है वो वहां से क्या करता है, पानी को एक तरीके से रुकावट पैदा करता है, फ्लड वाले रीजन जो है उसको डेवलप करता है। तो 1, 2, 3 इज द करेक्ट आंसर, और चौथा इरिगेशन का कोई रोल नहीं होगा तो इसलिए इरिगेशन को काट दो। जहां चार चार दिख रहा है ए बी और डी, जहां फोर फोर दिख रहे हैं वो काट दो, और जो बचा 1, 2, 3 दैट इज द करेक्ट आंसर। तो जिन्होंने सी आंसर दिया था देवर करेक्ट, तो अनफॉर्चुनेटली मैंने जल्दी जल्दी में आंसर कुछ और कर दिया था, तो उसके लिए मैं माफ भी चाहूंगा। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 ये कहता है कि बताओ इसमें से कौन सी ट्रिब्यूटरी जो है यमुना की नहीं है, और मेरे ख्याल से इसमें ज्यादा कोई डाउट होना नहीं चाहिए। मैं 30 सेकंड का समय देता हूं और आपको लोगों को बताना है कि इसमें से कौन सा जो है यमुना की ट्रिब्यूटरी नहीं है। देखिए इसमें भी कंफ्यूजन है ना, बड़ी विकट विडंबना यही है कि इसमें भी कंफ्यूजन आ रही है, ए बी और सी को लेकर के कंफ्यूजन है क्रांतिकारियों में, यानी ओनली 50% ऐसे स्टूडेंट है जो आंसर सही दे रहे हैं इसमें भी, मतलब आप समझ रहे हो कि कितनी विकट परिस्थिति है ना। घमंड कर लो, ये लो पोल समरी है आपके सामने, कर लो घमंड जिन जिनका स्क्रीन पे नाम आ रहा है, और होना भी चाहिए भैया, मेहनत की है आंसर दे रहे हैं। यमुना की जो सहायक नदी है, मैं जब यमुना की बात करता हूं तो ग्लेशियर से निकलती है, ये हमारी गंगा नदी है और ये हमारी यमुना नदी, और दोनों की दोनों कहां से निकलती है, ग्लेशियर से निकलती है। गंगा नदी को निकालो भागीरथी के नाम से, यमुना नदी को निकालो यमुनोत्री से, और वही यमुनोत्री और गंगा दोनों, वही गंगा और यमुना दोनों जाकर के कहाँ, प्रयागराज में संगम के पास जाकर के ऐड हो जाती है इलाहाबाद में, है कि नहीं। और जब सर ये यमुना की मैं बात करता हूँ तो इस यमुना के राइट हैंड साइड पे बहुत सारी नदियां आकर के मिलती हैं, जिसमें सबसे पहले एक चंबल है सर, उसके बाद बेतवा है, और उसके बाद सर केन है। ये तो तीनों के तीनों नदियां जो है यमुना के साथ आकर के राइट बैंक पे मर्ज हो रही है, तो इसका मतलब ये तो ट्रिब्यूटरी है ही। और गंडक जो है ये गंगा नदी की सहायक नदी है, और जब ये गंगा नदी आगे जाती है बिहार के साइड पे तो वहां नेपाल से एक नदी आती हुई दिख रही है हमें, जिसे मैं गंडक नदी कहता हूँ। तो गंडक बेसिकली जो है वो गंगा की सहायक नदी है, ना कि यमुना की सहायक नदी। इसका मतलब आंसर हमारा जो है वो क्या आ जाएगा, डी वुड बी द आंसर, है कि नहीं। और सर क्वेश्चन नंबर 2 के बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। ये कहता है कि गंगा जो है वो किस जगह पे आकर के गंगा होती है। तो मैंने आपको अभी बताया कि गंगा जब जहां से निकली वहां पर इसका नाम गंगा नहीं है, वहां पर इसका नाम है भागीरथी नदी, वहां पर इसका नाम है भागीरथी। आपको ये बताना है कि कहां पर जाकर के ये नदी जो है गंगा हो जाती है, तो बताओ कहां, क्या आंसर होने वाला है। तो मैं पोल दे देता हूं यहाँ पे, जल्दी जल्दी सोचो। चलो देखो आंसर देते हैं, 50% क्रांतिकारी गलत होने लग गए, इसलिए कहा कहता हूं बार बार कि एमसीक्यू देना चाहिए, क्योंकि एमसीक्यू से इंप्रूवमेंट होती है। एमसीक्यू बेसिकली बताता है आपको कि आप कहां गलती कर रहे हो कहां नहीं, है कि नहीं। एमसीक्यू का ये फायदा होता है, इसलिए मैं कहता हूं कि जरूरी नहीं है यहां पर ही आपको एमसीक्यू देना चाहिए, जहां पर भी एमसीक्यू दो तो लीडर बोर्ड जो है मैं आपको शेयर कर देता हूँ, आप देखो कि लीडर बोर्ड पे कहाँ आ रहे हो, और ये बदल जाएगा, टेंशन नहीं है। अभी क्वेश्चन हमारे पास बहुत है, आज क्वेश्चन का पिटारा बहुत है, आराम से बैठिए कुर्सी पे और आनंद लीजिए कुछ आज के एमसीक्यू सीजन का। तो डियर जी हमारे पास कितने प्रयाग होते हैं, हमारे पास 5 प्रयाग होते हैं सर। जहां से अलकनंदा नदी निकलेगी, अलकनंदा नदी को निकालो, कहाँ से निकालोगे, बद्रीनाथ से निकालोगे, केदारनाथ से निकालोगे सर। तो धाम बनता है हमारा, धाम
जो इंडियन ज्योग्राफी में मेरी क्लास ले चुके हैं उनके लिए तो बहुत इजी सा सेशन होगा ये, इजी सेशन होना भी चाहिए। ये दो धाम है सर हमारे, और एक धाम है बद्रीनाथ, एक धाम है केदारनाथ। तो इसको हम लोग केदारनाथ धाम कहते हैं, इसे हम लोग बद्रीनाथ धाम कहते हैं। और बद्रीनाथ से एक नदी निकलती है जिसे मैं नाम दे देता हूँ अलकनंदा, और ये थ्रू आउट अलकनंदा ही रहेगी जब तक ये भगीरथी से नहीं मिल जाती। तो इसके साथ कई नदियाँ आकर के मिलती हैं, जब इसके साथ मिलती है धौली गंगा, फिर इसके साथ मिलती है सर आकर के नंदाकिनी, फिर आकर के इससे मिलती है पिंडार नदी, और फिर आकर के मिलती है केदारनाथ से मंदाकिनी। तो ये मंदाकिनी हो गई, ये पिंडार नदी हो गई, ये नंदाकिनी हो गई, और ये धौली गंगा हो गई। और जहाँ मंदाकिनी मिल रही है अलकनंदा से एक चीज, और फिर यहां पर एक ग्लेशियर है सर, उस ग्लेशियर से एक नदी निकलती है जिसे मैं नाम देता हूं भगीरथी, और वो भगीरथी नदी आकर के अल्टीमेटली अलकनंदा से मिलेगी। तो जिस जगह ये भगीरथी नदी आकर के मिल रही है अलकनंदा के साथ, वो जगह हो जाता है, उस जगह ही को हम कहते हैं देवप्रयाग। और यहां पर जब धौली गंगा मिलती है, यहां पर कौन सा है, विष्णु प्रयाग। यहां पर जब नंदाकिनी नदी मिलती है, कौन सा प्रयाग है, नंद प्रयाग। और यहां पर जब पिंडार नदी मिलती है, तो यहां पर कौन सा प्रयाग बनता है, कर्ण प्रयाग। और फिर यहां पर कौन सा प्रयाग बनता है सर, रुद्र प्रयाग। और यहां कौन सा प्रयाग बनता है, देव प्रयाग। तो बेसिकली पांच प्रयाग हैं, और पांचों प्रयाग पे अलग अलग नदियां आकर के मिलती है। और आपको एक बात हमेशा ध्यान रखना है, जहां से नदी बी पॉइंट से जो नदी निकल रही है, बद्रीनाथ से जो नदी निकल रही है, दैट इज अलकनंदा। तो अलकनंदा यहां से चलाओ और आखिरी तक उसे अलकनंदा ही रखो। तो उसका मतलब कुछ भी पूछा जाए अलकनंदा कॉमन रहेगा, कुछ भी पूछा जाए अलकनंदा हमेशा कॉमन रहेगा। अलकनंदा के साथ धौली गंगा मिलती है, नंदाकिनी मिलती है, पिंडार मिलती है, मंदाकिनी मिलेगी, और आखिरी में भगीरथी मिलेगी। भगीरथी जहां मिलती है उस पॉइंट को ही आप लोग देवप्रयाग कहते हैं उत्तराखंड के अंदर। और उसके बाद हम देखेंगे कि वो नदी गंगा के नाम से आगे बढ़ेगी, और गंगा नदी के नाम से जब आगे बढ़ेगी तो यहाँ पर हरिद्वार है, और हरिद्वार से आते ही वो मैदानों में एंट्री ले जाती है। उसका मतलब आंसर हमारा क्या होगा सर, आंसर हमारा होगा ए। क्लियर यहां तक? क्वेश्चन नंबर फोर पे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर फोर ये कहता है कि आपके पास एक नदी है और उसके सामने जो है ट्रिब्यूचरी है। बेसिकली उल्टा हो गया। हाँ ठीक है, नहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये ट्रिब्यूचरियां हैं आपकी और ये मेन रिवर्स है, तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही करेक्ट मैच हो रहा है। तो बढ़िया मैच हो रहा है आपको ये बताना है। तो बताओ कौन सा आंसर इसमें से सही होने वाला है। आपको मैं समय दे देता हूं। बताओ क्या आंसर होगा, करेक्टली मैच कौन सा है इसमें से ये बताना। सिक्सटी परसेंट ऑटोमेटिकली गलत हो गए। फिफ्टी 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 57% गलत हो गए। तो ओवर द टाइम हम लोग देख रहे हैं कि ना करने वाले या गलतियां करने वाले लोग जो हैं वो यहाँ पर ज्यादा है। तो 57% जो है स्टूडेंट गलत है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी विकट स्थिति है यहाँ पे। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी विकट स्थिति यहाँ पे है। कोई दिक्कत नहीं है चंदन, कोई दिक्कत नहीं है। ये अपना ऐसा थोड़ी है कि मतलब यहाँ पर कोई अवार्ड मिलने वाला है। यहाँ तो ये है कि अगर गलतियां हैं और हमें पता है कि गलतियां हो गई है, तो दैट्स नॉट अ बिग डील, वो हम आगे ठीक कर लेंगे। बेसिकली बड़े बुजुर्ग यही कह के गए हैं कि जल्दी नहीं करना चाहिए। जैसे मैंने पहले क्वेश्चन पे जल्दी कर दिया था और मैंने आंसर कुछ और कर दिया, तो जल्दी नहीं करना चाहिए। हम भी इंसानों की औलाद हैं, और इंसान जो है गलती कर देते हैं, कोई टेंशन नहीं है। वो हम लोगों ने बचपन में पढ़ा है, जो इंसान है गलतियों का पुतला है और गलतियां होती रहती, कोई टेंशन नहीं। तो कोई टेंशन नहीं बच्चे, हमें पता है कि चंबल जो है यमुना की सहायक नदी है, नर्मदा की नहीं, तो इनकरेक्ट हो जाएगा। सोन जो है वो गंगा की सहायक नदी है और यहाँ पर यमुना बोला गया है, तो वो भी गलत हो जाएगा। मानस जो है सर, वो जो है हमारी सहायक नदी है किसकी, ब्रह्मपुत्र की। ये सर करेक्ट है। मानस, मानस कहाँ से आती है, मानस आती है भूटान से। तो ये नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है और सर ये करेक्ट है। और जहाँ सी जो है हमारा, यानी तीन ओनली जो है वो करेक्ट है हमारा। तो तीन ओनली हमें कहाँ देखेगा, डी में। थ्री ओनली इज आर करेक्ट आंसर। तो इसका मतलब है कि आंसर करो डी, बात हो गई हमारी खत्म। सर जब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव पे, वो कहता है कि आपको करेक्ट सीक्वेंस बताना है नदियों का फ्रॉम द नॉर्थ टू साउथ। अब ये हो सकता है आप लोगों का थोड़ा सा बवाल सवाल आ जाए,
क्योंकि ऐसे सवाल हमेशा जज्बाती होते हैं, ऐसे क्वेश्चन हमेशा जज्बाती होते हैं। आपको इंडिया में ये देखना है कि कौन सी नदी नॉर्थ की तरफ है और कौन सी नदी साउथ की तरफ है, और इसके लिए ऐसे क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपकी मैप की जो नॉलेज होनी चाहिए ना, वो काफी गजब होनी चाहिए, क्योंकि उसके नॉलेज के बिना तो आपको यही नहीं पता होगा कि कौन सी नदी कहाँ जो है वो चल रही है, उसका जो मजा है वो नदी का चलने का वो किधर है। तो आपका नॉर्थ से लेकर के साउथ तक का जो एक्सटेंशन है नदियों का, ये पूछा गया है। इसमें आपको आंसर बताना है कि क्या होने वाला है। तो मैं आप लोगों को देता हूँ पूरे 45 सेकेंड, सोचो और बताओ इसमें से क्या आंसर होगा। सिक्सटी सेवन परसेंट जो बागड़ बिल्ले हैं वो गलत हो रहे हैं। सिक्सटी टू परसेंट गलत है। सही कौन है मैं ये नहीं बता रहा, मैं बता रहा हूं गलत कितने हो रहे हैं। जब पोल खत्म हो रहा है तो 62% स्टूडेंट गलत है। इसका मतलब कि तुक्के भी लगे हो सकते हैं, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि कौन सी नदी कहाँ आ रही है। फिगर में देखो आप लोग, फिगर में आप देखोगे तो जो सबसे पहले नदी आ रही है यहाँ पे ऊपर की तरफ झारखंड वाले रीजन में, आप जब देखोगे दामोदर छोटा नागपुर पठार की तरफ, तो यहाँ से एक नदी आ रही है सर, दामोदर नदी कहते हैं इसे। और इसके नीचे की तरफ हम आएंगे तो सर उड़ीसा के पास आपको एक नदी दिखेगी जिसे मैं ब्राह्मणी नदी कहता हूँ। और ब्राह्मणी नदी का जो देखो नेटवर्क है थोड़ा ऊपर आता है, और महानदी का नेटवर्क थोड़ा नीचे की तरफ से आता है, देखो यहाँ से आता है, इसलिए इसको काउंट यहीं से करेंगे नीचे की तरफ है। तो इसका मतलब महानदी सर हमारी ये हो गई, और उसके नीचे आएंगे तो ये सर तुंगभद्रा नदी होगी हमारी। और क्वेश्चन पूछा गया है कि नॉर्थ से साउथ का एक्सटेंशन हमें बताना है, तो तुंगभद्रा आखिरी में आएगी, फिर महानदी आएगी, फिर ब्राह्मणी आएगी, और फिर दामोदर आएगी। तो डी बी एम टी आएगा, और यहाँ पे देखो डी बी एम टी, तो डी बी एम टी जहाँ दिख रहा है उसे हम आंसर कर देते हैं। तो सर डी बी एम टी हमारा फर्स्ट में ही दिख रहा है, तो इसका मतलब यही है हमारा आंसर। इसका मतलब समझ लो कि यही होते हैं जज्बाती सवाल, और इस सवाल को ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आपकी मैप की जो अंडरस्टैंडिंग है वो काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। और ये क्वेश्चन पूछता भाई प्री के अंदर तो डेफिनेटली ऐसे क्वेश्चन जो हैं आपके आते हैं, और इनका आंसर देने का जो सबसे सरल तरीका है कि वो ये है कि आपने नदियों को मैप के ऊपर अच्छा खासा लपेटा हो। तो अगर आपने ऐसा नहीं किया तो फिर गड़बड़ होगी। नॉर्थ से साउथ और ईस्ट से वेस्ट ये भी क्वेश्चन पूछेगा और पूछा जाएगा। इवन मैं खुद यहाँ पर आपसे एक ऐसे क्वेश्चन जो है दो तीन पूछने वाला हूँ कि कौन सी ईस्ट वेस्ट है, नॉर्थ से साउथ कौन सी है। तैयार रहिए इनका आंसर देने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर 6 लो भी आ गया, मैं वही तो बता रहा था आप लोगों को। अब बताना है कि ब्रह्मपुत्र नदी के वेस्ट से लेकर के ईस्ट तक जाने वाली जो नदी है वो कौन कौन सी है। और यहाँ चार नदियां दी गई हैं, लोहित, दिबांग, सुबनसिरी और तीस्ता। और वो ये कहता है कि वेस्ट से लेकर के, वेस्ट समझ रहे हो ये वेस्ट है, और ये कहता है ये ईस्ट है। तो वेस्ट में आपको सबसे पहले लेकर के आना है, और ईस्ट में आपको सबसे आखिरी में लेकर के आना है। तो वेस्ट से ईस्ट तक आते आते आपको सजाना है, और आपको मैं पूरा टाइम दे रहा हूं, कितना मैं पूरा टाइम दे रहा हूं आप लोगों को, 45 सेकेंड ही दे देते हैं, इतना इनफ है। लेकिन बताओ क्या आंसर होना चाहिए। डियर नीरू, मेरा जो टेलीग्राम चैनल है वहां जाओ, आई हैव सेंड द लिंक ऑफ दिस क्लास, मैंने इस सेशन का जो लिंक है आपको फॉरवर्ड किया हुआ है। 50% जो है यहाँ पर करेक्ट है, और 50% जो है यहाँ पे रॉन्ग है जो आंसर दे रहे हैं। देखना तो पड़ेगा ना आपको कि कहाँ गड़बड़ी हो रही है, और लीडर बोर्ड अगर शेयर करूं तो देखिए 1, 2 और 3 ऐसे चल रहा है।
चलो बड़े आगे सर, वेस्ट से ईस्ट की बात हो रही है ना, और वेस्ट से ईस्ट की बात कर रहे हैं तो हम फिगर पे चलते हैं। सबसे पहले फिगर पे चल रहे हैं तो सर ये वेस्ट साइड है और ये ईस्ट साइड है, और वेस्ट साइड से हम जब चलते हैं तो यहाँ पर सिक्किम की तरफ से एक नदी लेकर के आओ, तीस्ता। तो सबसे पहले एक्सट्रीम में आएगा नंबर वन पे है ना तीस्ता नदी, फर्स्ट नंबर पे। फिर सर आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको देखो कौन सी नदी दिख रही है, सुबनसिरी। थर्ड नंबर पे कौन सी नदी ने दिख रही है, लोहित। और चौथे नंबर पे कौन सी दिख रही है, दिबांग। तो दिबांग आखिरी में करो, और पीछे आ जाओ तो दिबांग को आखिरी में करना है। तो यानी दो नंबर हमारा सबसे आखिरी में आएगा, और ये तो ऑप्शन एक ही दिख रहा है, एंड दैट इज द बी। उसका मतलब बी हमारा आंसर हो जाएगा करेक्ट। तो सबसे पहले आएगा तिस्ता, तिस्ता के बाद सर सुबनसिरी, सुबनसिरी के बाद लोहित, और लोहित के बाद आखिरी में क्या आएगा, दिबांग। तो ये है TSLD जो है, ये हमारा ऑप्शन होगा। और ये कहाँ है, ये हमारा बी में है। तो देखिए दिबांग को पकड़िए, बात खत्म कर दीजिए। दिबांग वो जगह होती है जहां से नदी एंट्री ले रही होती है अरुणाचल प्रदेश की साइड से। तो सीधी सी बात है, सबसे एक्सट्रीम लेवल पे तो वही होगी। अगर आप थोड़ा सा बहुत भी दिमाग लगाओगे ना, तो आपको ये बताया कि तीस्ता नदी के साथ जब ब्रह्मपुत्र नदी मिलती है बांग्लादेश में, तो उसके बाद वो नदी जमुना हो जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी जैसे आई बांग्लादेश में और तीस्ता नदी मिली, उसके बाद आप देखोगे दोनों नदी का नाम जो है कलेक्टिवली आगे बढ़ने के दौरान जमुना हो जाता है। तो सर तीस्ता तो हमारी वहां हो जाएगी, और सबसे एक्सट्रीम लेवल पे चलो अगर अरुणाचल प्रदेश के साइड से, तो वहां तो दिबांग वैली से एंटर लेते हो तो दिबांग होगी। तो अगर आपने तीस्ता पकड़ लिया और अगर आपने दिबांग को पकड़ लिया, तो उसका मतलब है कि टी को पहले रखो यानी चार को, और दो को आखिरी में रखो यानी डी को। तो डियर जी आपको फिर आगे सोचने की जरूरत ही नहीं है कि बीच में सही है कि नहीं है। तो ऐसे भी है ना आंसर आपको करने चाहिए, सोचना चाहिए। आप लोग सीधे जज्बाती होकर के जवाब देने लग जाते हो, गड़बड़ी वहां होती है। खैर कोई दिक्कत नहीं है, और भी बहुत सारे संभलने के मौके मिले देंगे ईश्वर। तो अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 पे, और कहता है कि भैया एक नदी है और उसकी सहायक नदी है, और आपको बताना है कि इनमें से कौन से नदी के साथ सहायक नदी उसकी जुड़ रही है। ब्रह्मपुत्र की कौन सी सहायक नदी है, कृष्णा की कौन सी सहायक नदी है, नर्मदा की कौन सी सहायक नदी है, और कावेरी की कौन सी सहायक नदी है। तो इसके लिए मैं पोल ले लेता हूं, और आंसर आपको बताना है कि क्या होने वाला है। चलो बताओ क्या आंसर होगा। क्वेश्चन में 83% जो स्टूडेंट है वो सही है। अब यहां पर आपको ये देखना है कि ब्रह्मपुत्र की जो सहायक नदी है वो कौन सी है। सर ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है वो दिखो नदी है, तो दिखो नंबर 4 पे आता है, उसका मतलब ए का जो आ जाएगा हमारा आंसर वो 4 आ जाएगा। और कृष्णा की जो सहायक नदी है वो मूसी नदी है, मूसी नदी इसका मतलब है 1। तो मूसी नदी जो है कृष्णा की सहायक नदी है, और इसी मूसी नदी के ऊपर एक शहर भी है जिसे आप लोग हैदराबाद कहते हैं, है कि नहीं। फिर आ जाइए नर्मदा नदी पे, नर्मदा नदी की जो सहायक नदी है वो तवा नदी है, तो इसका मतलब इसे कर दो 2 नंबर। और कावेरी नदी जो है इसकी सहायक नदी में आती है कबानी भवानी लक्ष्मण तीर्थ, तो इसका मतलब 3 कर दो। तो जहां कोड आपको दिख रहा है 4123, वो आपको कहां आंसर दिख रहा है सर, 4123 तो हमें 20 में बी में दिख रहा है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो कर दो, पढ़ो आगे। क्वेश्चन नंबर 8 पे आप आओगे तो क्वेश्चन नंबर 8 ये कहता है कि एक टाउन है साहब और नदी है, तो किस नदी के किनारे कौन सा टाउन है आपको वो बताना है। तो यहां पर एक सर शहर है जिसे हम लोग कहते हैं नांदेड़, एक है नेल्लोर, एक है हॉस्पेट, और एक हैदराबाद। तो अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा आंसर जो है हमारा सही होने वाला है। तो बताओ क्या आंसर होने वाला है।
वाह, अभी तक सारे के सारे आंसर जो हैं करेक्ट हैं। तो सर समझिए, नांदेड़ जो है वो महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र में है तो गोदावरी नदी के किनारे है, तो पहले ए का तो वन है, ये तो हमारा करेक्ट हो जाएगा। और ए का वन अगर दिख रहा है तो सीओडी तो काट ही डालो, इसको आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है। अभी मैंने आपको बताया कि मूसी नदी के किनारे ही हैदराबाद है, तो इसका मतलब डी का तीन आएगा, तो डी का तीन आ जाएगा तो ए और बी में आपको डी का थ्री दिख रहा है, तो इसका मतलब है कि आंसर तो हमारा ये इन्हीं दोनों में से किसी का होगा। हॉस्पेट जो है सर वो कर्नाटका में है, और कर्नाटका के अंदर कृष्णा नदी की एक सहायक नदी आती है जिसे हम लोग तुंगभद्रा बोल देते हैं, उसका मतलब हॉस्पेट जो है वो तुंगभद्रा नदी के किनारे पे, तो उसका मतलब सी का टू आ जाएगा, और सी का टू आ जाएगा तो उसका मतलब ये हमारा आंसर क्या हो रहा है, ए हो रहा है, बात हो जाती है वहीं पे खत्म, बात हो जाती है यहीं पे खत्म। तो इसका मतलब समझ रहे हो, आपने देखा नदियों से क्वेश्चन पूछने का जो तरीका क्या है, वो ये बोल रहा है कि नॉर्थ से लेकर के साउथ तक सजाना है, वो आपको बोल रहा है वेस्ट से लेकर के ईस्ट तक सजाना है, समझ रहे हो। और यहां पर वो बोल रहा है कि नदी है और नदी के किनारे पे कौन सा शहर है वो आपको बताना है, तो ऐसे क्वेश्चन जो हैं बड़े जज्बाती किस्म के होते हैं दोस्त, और ऐसे क्वेश्चन बड़े तंग भी करते हैं, है कि नहीं। चलो क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो क्वेश्चन नंबर ये 9 कहता है कि भैया एक लेक है और हमें बताना है कि उसको किस टाइप में रखते हैं, एक लेक है और उसका टाइप बताना आपको क्या होने वाला है। इसमें एक लेक है जिसको हम लोग अष्टामुदी कयाल बोलते हैं, अब आपको यही देखना है कि कयाल हम कहते किसे हैं और कहां पर हमें मिलता है कयाल, तो अगर आप लोगों को ये पता है कि कयाल कहाँ मिलता है तो इसका आंसर आप लोग बहुत इजीली दे दोगे। उसके बाद हिमायत सागर कहाँ है आप लोगों को ये पकड़ना है, और उसके बाद डल लेक कहाँ है आप लोगों को ये पकड़ना है और उसके अकॉर्डिंग इसका आंसर करना है, और उसके बाद सोमगो लेक है वो आपको बताना है कि कहाँ है। इसका आंसर आप लोग इस तरीके से दीजिए कि क्या इसका आंसर हो सकता है, तो बताइए इसमें से क्या आंसर होगा। अब YouTube पे जो सेशन देख रहे हैं अब उन लोगों के लिए दिक्कत वाली बात ये है कि आप लोगों को आंसर तो ना सिंपल सा दिख रहा है क्योंकि मैं उसको टिक कर रहा हूँ, और इसमें से सिर्फ एक ही क्रांतिकारी ऐसा है जिसने आंसर दिया है। अब देखिए कि सिर्फ ओनली वन हैव गिवन द करेक्ट आंसर, इसका मतलब है 83% स्टूडेंट्स का जो आंसर है वो गलत है। गलत इसलिए है क्योंकि पढ़ा ही नहीं है, पढ़ा इसलिए नहीं है क्योंकि सर पढ़ने का समय ही नहीं मिला, और ऐसे क्वेश्चन तो बड़े जज्बाती किस्म के तो होते ही हैं, है कि नहीं। तो सर जो कयाल होते हैं ना, कयाल केरल में जब हम पहुंचेंगे तो केरल के अंदर जो लगून लेक होते हैं उसको हम कयाल बोलते हैं, और होता यह है कि जो समुद्र का पानी है, जैसे यहां समुद्र हमारा सी है, और जब सी का पानी जो है वो अंदर की तरफ आ जाता है, जैसे जमीनी हिस्सा हो गया और यहां से होते हुए वो अंदर की तरफ आ जाता है, तो बेसिकली ये पानी तो समुद्र का है और लहर के साथ आ जाती है, तो इस तरह का जो पानी होता है इसी को हम लोग कहते हैं कयाल, पहली चीज। दूसरा, ऐसे पानी जो ऐसे पानी का एक अलग सा हिस्सा बन गया और बीच में एक नेचुरल बैरियर है, तो इसलिए इस लेक को हम कह देते हैं लगून लेक, तो इसका मतलब है कि जो अष्टामुद कयाल है वो एक लगून लेक है, एक चीज। उसके बाद सर डी पे आ जाओ, सोगमो लेक। सोगमो लेक कहाँ है? सिक्किम में। और एक बात समझ लो, सिक्किम जो है वो कहाँ है?
आप देखोगे सिक्किम नॉर्थ ईस्ट में जाओगे तो ऊपर की तरफ दिखेगा, मतलब वहां पर आपको ग्लेशियर्स दिखेंगे, और सिक्किम में जितने भी लेक्स हैं इवन नदियां हैं वो सारे के सारे ही ग्लेशियर से निकलती, तो इसलिए सोगमो लेक जो है वो ग्लेशियर लेक हो गया, यानी डी का थ्री। तो मतलब ए का टू और डी का थ्री, ए का टू कहाँ दिख रहा है, ए और बी में दिख रहा है तो काट दो सी और डी तो, और डी का थ्री कहाँ दिख रहा है तो इन दोनों में दिख रहा है। अब बी और सी में आप लोगों को देखना, हिमायत सागर कहाँ है सर, हिमायत सागर तेलंगाना में है, और तेलंगाना के अंदर ये जो लेक है ये आर्टिफिशियल लेक है, इसको बनाया गया है, मैन मेड है ये। उसका मतलब है कि बी का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा सर फोर, तो बी का आंसर फोर होते ही आंसर क्या हो जाएगा ए। इसका मतलब डल लेक जो है वो रेजिडुअल वाटर में आता है, हालांकि स्वीट वाटर है, मतलब इसको पानी को आप पी सकते हो, फ्रेश वाटर है पानी को पी सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और जो अष्टामुदी कयाल है, जो पानी अलग से बना है, इसका पानी को आप पी ही नहीं सकते क्योंकि ये समुद्र का पानी है ना, पीने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। बात खत्म, चलो बढ़ो आगे। ये थोड़ा जज्बाती सवाल हो गया और इन चीजों का पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 पे आओगे तो ये कहता है कि इंडिया के अंदर जो ईस्ट फ्लोइंग रिवर है वो डेल्टा बनाती है, जबकि वेस्ट कोस्ट पे जाने वाली नदी डेल्टा नहीं बनाती। अब वो वेस्ट कोस्ट पे जाने वाली नदी डेल्टा क्यों नहीं बनाती, वो आपको आंसर देना है ए बी सी और डी के अंदर। तो बताइए इसमें से क्या आंसर होगा, बहुत सिंपल सा है, 30 सेकंड का समय देता हूं, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, लंबी चौड़ी कहानी। बहुत बढ़िया साजिया खान, बहुत बढ़िया। ओनली थ्री हैव गिवन द करेक्ट आंसर, 34% स्टूडेंट जो है यहाँ गलत हो गए। सर मैं सिंपल सी बात है, दो ही नदियां हैं यहाँ पे, एक नदी ईस्ट फ्लोइंग रिवर ही है, एक नदी वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। और जब मैं ईस्ट फ्लोइंग और वेस्ट फ्लोइंग रिवर पे आता हूँ तो आप देखिए ईस्ट फ्लोइंग रिवर जो एक तो लंबी है, लॉन्ग है, ऊपर से जब ये आगे बढ़ती है तो अपने साथ सेडिमेंट लेकर के आगे बढ़ती है, नेचुरल बैरियर्स इनको नहीं, मतलब ये जब आगे बढ़ती है तो आगे वाले हिस्से को ये इरोड करते हुए चल रही है, और इरोजन जब होगा तो सेडिमेंट इसमें ज्यादा होगा, सेडिमेंट ज्यादा होगा तो डेल्टा ऑटोमेटिकली बन जाएगा। और वेस्ट फ्लोइंग रिवर की बात करेंगे तो आप देखिए वेस्ट फ्लोइंग ईस्ट फ्लोइंग के रिवर के मुकाबले क्या है, छोटी हैं, छोटी हैं तो इसका मतलब क्या है कि इनके अंदर पानी का जो वॉल्यूम है वो भी कम होगा। ये ऑलरेडी जो नेचर में बने हुए रास्ते हैं, जिस खासकर कौन से रिफ्ट वैली वाले रास्ते, उस रास्ते को फॉलो करके आ रहे होते हैं, और जब रास्ते को फॉलो करके आ रहे होते हैं तो सर उस रास्ते पर आपको मिलते हैं हार्ड रॉक, और हार्ड रॉक का इरोजन जल्दी हो नहीं पाता, इसलिए सेडिमेंट इसमें मिल नहीं पाते, और यही वजह है कि सेडिमेंट अगर नहीं होंगे, सिल्टेशन नहीं होगी तो डेल्टा भी नहीं बनेंगे। तो वेस्ट फ्लोइंग जो रिवर है वो बने बनाए या पक्की पकाई रोटी खाना चाहती है, इसलिए रिफ्ट वैलीज होके जाती है, हार्ड रॉक्स हैं इसलिए इरोजन होता नहीं है, सिल्टेशन मिलती नहीं है, ऊपर से वॉल्यूम पानी में कम होता है, इसलिए कोई डेल्टा नहीं बनता। इसका मतलब बी आंसर देखो ना, लेसर वाटर वॉल्यूम होता है और रन ऑफ की वजह से सिल्टेशन इसमें कम होती है, कम है तो बात खत्म, इसका मतलब डेल्टा बनाएंगे नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा बी। सर कोई दिक्कत नहीं, सरित प्रीतम मनुष्य गलती का पुतला है, और यहां पर गलती का मतलब ये होता है, इसको ऐसे लेना है अपने को, यहां पर गलती का मतलब होता है करेक्ट होना, क्योंकि तो अगली बार हम गलती नहीं करेंगे, गलती तो तब होगी जब अगली बार सेम क्वेश्चन पे आप गलती कर जाओ, हमने देख लिया कि हम कहाँ गलत हो रहे हैं, उसको हमने सीख लिया तो अगली बार नहीं होंगे गलत। और यहां पर आपको फिर कह रहा है कि भैया सिंधु नदी के नॉर्थ से साउथ की तरफ आने वाली नदियों को आपको करेक्ट ऑर्डर में लेकर के आना है, कि पहले कौन सी नदी है, फिर दूसरे नंबर पे कौन सी नदी है, तीसरे नंबर पे कौन सी नदी है, चौथे नंबर पे कौन सी नदी है, और पांचवें नंबर पे कौन सी नदी, याद आ रहा है कुछ? एनी बडी, अब बताना है इसमें से कौन सा आंसर जो है हमारा सही होने वाला है। कॉल कर रहा हूं, चल देता हूं मैं 45 सेकंड का समय, अब आपको बताना है इसमें से क्या आंसर होगा।
ये यूट्यूब वाले क्वेश्चन नंबर टाइप करो भाई, अगर आप क्वेश्चन नंबर टाइप नहीं करोगे तो मुझे पता नहीं चल पाएगा कि आप लोग किस क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं। लवकुश यादव और सफीर अहमद, आप क्वेश्चन नंबर नहीं लिखोगे तो मुझे आइडिया नहीं लग पाएगा कि आप बेसिकली कुछ क्वेश्चन की बात कर रहे हो। और अच्छी बात यह है कि पागड़ बिल्लो ने गलती की नहीं, तो ऐप वाले बागड़ बिल्ले हैं, उन्होंने गलतियां की नहीं, पूरा 100% जो है क्रांतिकारी सही है। कमेंट कर लो। आप देखो यहां पे जिन्होंने मेरी इंडियन ज्योग्राफी की क्लास लगा रखी है वो तो मतलब बहुत ही बढ़िया तरीके से इसका आंसर दे रहे होंगे, और दिया है उन्होंने। तो डियर जी हम क्या कर रहे थे, हम लोगों ने इंडियन ज्योग्राफी की जब क्लास ली थी तो उसमें हमने देखा था कि तिब्बत रीजन है, तिब्बत के उत्तर से जो एक नदी आती है जिसे हम लोग सिंधु नदी कहते हैं, और तिब्बत के साउथ से एक नदी जा रही है जिसे हम लोग सतलुज नदी कहते हैं, और दोनों ही नदियां इंडिया में ओरिजिन नहीं होती। ठीक है, हाँ ऐसे नरेंद्र गोदारा और सफीर अहमद, ऐसे आंसर देना अपने को क्वेश्चन नंबर ऐड करके, ऐसे ही पता चलेगा ना भाई। और सर बीच में जो नदियां हैं अब उनके नाम अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले नदी आ जाती है सर झेलम, झेलम के नीचे नदी आएगी चेनाब, चेनाब के नीचे आएगी रावी, और रावी के नीचे आएगी ब्यास। तो सबसे पहले यहां पर आपको ना चार नदियां दे रखी हैं, तो सिंधु को काटो और सतलुज, सतलुज है चलो सतलुज को रहने दो, और हमें बताना है कि नॉर्थ से साउथ में कौन सा एक्सटेंशन है। तो यहां नदी दे रखी है झेलम, तो सिंधु के बाद जो नदी आ रही है वो झेलम है, तो इसका मतलब है कि टू नंबर पहले आएगा, तो दो नंबर पहले आएगा तो बी और डी करेक्ट होने की संभावना है, ए और सी को तो काट ही दो, और दो के बाद एक आएगा या दो के बाद तीन आएगा उससे हमारा आंसर क्लियर हो जाएगा। दो के बाद आना चाहिए क्या, चेनाब आना चाहिए, रावी तो कहाँ आना चाहिए, रावी आना चाहिए थर्ड नंबर पे, और चेनाब अगर आ गया एक नंबर आ गया तो उसका मतलब आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है, हमारा डी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि सबसे आखिरी में सतलुज तो है ही, सतलुज के नीचे जो आप देखोगे हमारा सिंधु नदी का कोई तंत्र मिलता ही नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं है। आगे आंसर डी, द आंसर इज डी। चलो बढ़ो आगे, क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं हम लोग, और क्वेश्चन नंबर 12 ये कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ रिवर इज ट्रिब्यूटरी इज नॉट करेक्टली मैच्ड, इसमें से कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है हमें ये बताना है, इनमें से कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है हमें ये बताना है। गोदावरी की कौन सी सहायक नदी है, कावेरी की कौन सी है, नर्मदा की कौन सी है, और कृष्णा की कौन सी है, तो बताना है। इसमें मैं आपको समय जो देता हूँ मात्र 30 सेकंड का दे रहा हूँ, और क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है, इसमें कुछ ज्यादा आई फॉर बट है नहीं दोस्त, और जिन्होंने आंसर गलत किया उसको युगांडा का ट्रिप, दीपांजलि महेश्वरी डियर जी ये ऐप पे क्लास हो रही है और ऐप के थ्रू डायरेक्ट यूट्यूब पे जा रहा है, और यही वजह है कि जूम आउट नहीं हो पाएगा इतना। अगर आपको ये सेशन लेना है तो आप मुझे टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हो, और टेलीग्राम पे जब मेरे नाम से आप लोग फॉलो करोगे रोहन हिमांशु झा के नाम से, तो होगा ये कि वहां पर जाते ही मैंने लिंक फॉरवर्ड किया हुआ है, और जैसे आप उसे क्लिक करोगे क्लिक करते ही आप इस क्लास के ऊपर आ जाओगे यानी ऐप पे आ जाओगे। ठीक है, 12 का सी, ऑब्वियसली गोदावरी की जो सहायक नदी है वो वेन गंगा, पेन गंगा याद करो, कावेरी की सर भवानी, कबानी, तुंगभद्रा सॉरी लक्ष्मण तीर्थ, अमरावती, और अमरावती अगर कावेरी की सहायक नदी होगी तो नर्मदा को तो हो नहीं सकती, इसका मतलब है सी इज द इनकरेक्ट आंसर, तो ये करेक्टली मैच नहीं है सर हमारा। और कृष्णा की भीमा, तुंगभद्रा, कोयना, सीना, मूसी, ये सारे के सारे कृष्णा की सहायक नदी है, घटप्रभा, मलप्रभा। और सर जब हम क्वेश्चन नंबर 13 पे आएंगे तो यहां पर ये क्वेश्चन पूछ रखा है कि अमंग द फॉलोइंग विच रिवर हैज द लार्जेस्ट कैचमेंट एरिया, कैचमेंट एरिया समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे, मतलब बहुत बड़े नेटवर्क के अंदर फैला होगा, यानी एक नदी मेन रिवर तो हमारी है ही है, जैसे ये मेन रिवर होगी और इस मेन रिवर के साथ साथ इसकी सहायक नदियां भी जो हैं बहुत ज्यादा ऐड होने वाली, तो इन सबको जब हम जोड़ देंगे तो इस पूरे का पूरे लार्ज इलाके को हम लोग कैचमेंट बोलते हैं, तो कैचमेंट में
आपको बताना है कि कौन सी नदी सबसे बड़ी कैचमेंट का निर्माण कर रही होती है। और मुझे नहीं लगता है कि इसमें कुछ ज़्यादा लंबी चौड़ी कहानी है, 15 सेकंड का ही समय देता हूँ और आपको आंसर बताना है क्या होने वाला है। बस एक तुक्का लगाना है यहाँ पे और आपका आंसर क्लियर। देखिए देखिए, 28% अभी भी गलत है। डियर यूट्यूब वालों, ये जूम नहीं हो सकता, आप ऐसा करो अपनी स्क्रीन को टिल्ट कर लो। इतने भी यूट्यूब पे आप लोग सेशन देख रहे हैं, या तो मैंने कहा कि आप मुझको टेलीग्राम पे सर्च कर लो रोहन हिमांशु झा के नाम से, वहां पर आपको मेरे इस एप्लीकेशन का लिंक मिलेगा, क्लिक करोगे तो आप सीधे ऐप पे आ जाओगे। और अगर आपको लगता है कि सर वहीं पे है तो अपने स्क्रीन को टिल्ड कर लो, एक हॉरिजॉन्टल मत देखो उसे, सॉरी वर्टिकली मत देखो उसे, हॉरिजॉन्टल देखो। स्क्रीन का साइज छोटा है तो फिर गड़बड़ है ना। तो आप देखिए इस क्वेश्चन पे भी 28% स्टूडेंट गलत हो गए। क्या बताएं हम लोग भैया, प्रभु इच्छा है, आप लोगों को तो वागाडुगू भेजना पड़ेगा ऐसे लोगों को। यार जी, सबसे लॉन्गेस्ट रिवर साउथ इंडिया में कौन सी है? देखो साउथ इंडिया की रिवर की बात हो रही है, नर्मदा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, इसका मतलब है हम लोग पेनिनसुलर रिवर्स की बात कर रहे हैं। और इंडिया में गंगा के बाद दूसरी सबसे जो लंबी नदी है वो गोदावरी है, और गोदावरी की जो कैचमेंट है वो इन सब में से ज़्यादा होगा। 1650 किलोमीटर के नेटवर्क में, और साफ इसकी सहायक नदियाँ भी जब जुड़ेगी तो आपको दिखेगा बहुत बड़ा कैचमेंट इलाका। इनके भी कैचमेंट, महानदी का कैचमेंट, कृष्णा का कैचमेंट होगा, बट महानदी का कैचमेंट, कृष्णा का कैचमेंट जो है, आप देखोगे ये कृष्णा का कैचमेंट है, ये महानदी का कैचमेंट है, और नर्मदा का कैचमेंट इनसे छोटा होगा। आप देखिए कि सबसे बड़ा कैचमेंट जो होगा वो गोदावरी नदी का ही होगा, तो हमारा आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। थोड़ा सा ट्रिक लगाओगे तो ऐसे आंसर निकल जाएगा। चलो कोई दिक्कत नहीं है फजीरात अब्दुल अजीज जी, कोई टेंशन नहीं है अब्दुल अजीज। इंग्लिश, इंग्लिश में कैसे बताना डियर जी, आपके सामने इंग्लिश लिखा तो है, मैं तो सिर्फ हिंदी बोल रहा हूँ ना। अगर ऐसा होता है कि स्क्रीन पर लिखा होता है हिंदी और मैं इंग्लिश बोल रहा होता तो आपको लगता है ये सही है, तो नहीं, ये सही नहीं। मैंने लिखा इसलिए तो स्क्रीन पर इंग्लिश लिखा जाता और मैं हिंदी बोलता। चलो क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाओ, और ये क्वेश्चन जो है ऐसे क्वेश्चन बड़े जज्बाती किस्म के होते हैं। क्यों होते हैं जज्बाती किस्म के? क्योंकि हमें फाइंड आउट करना पड़ता है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। आपने ऐसे स्टेटमेंट समझे कि नहीं समझे, ए बी सी डी वाले ऐसे क्वेश्चन, अगर आप यूपीएससी को लेकर के सीरियस हो तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसे हम लोग असर्शन और रीजन कहते हैं। यहाँ दो स्टेटमेंट दे रखी है ए और बी, या ए और आर दे रखी है, असर्शन ए है और यहाँ पर रीजन आर है, और कहता है कि कौन सा स्टेटमेंट बताना आपको सही है। वो ये कहता है कि अगर ए सही है तो बी गलत हो सकता है, ए गलत है तो बी सही हो सकता है। ये कहता है कि ए दोनों ही सही है, लेकिन जो रीजन है, जो कारण है, वो ए का सही कारण नहीं है। और इसका जो पहला ऑप्शन दे रहा है वो ये कह रहा है कि दोनों सही हैं और आर करेक्ट है, इसलिए ए करेक्ट है। यहाँ ये कहता है कि बोथ आर करेक्ट, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, मतलब आर करेक्ट है इसलिए ए करेक्ट है। और यहाँ सेकंड ऑप्शन ये कहता है कि आर करेक्ट है, ये कहता है कि आर करेक्ट नहीं है, ए करेक्ट है ऑटोमेटिकली। यहाँ कहता है कि सर ए तो सही है लेकिन आर गलत है, और डी कहता है ए गलत है और आर सही है। आपको बताना कौन सा आंसर सही होगा, और मैं देता हूँ आपको ऑप्शन, बताना है आपको क्या आंसर होना चाहिए। हाँ हाँ, अगर बिल्ले वाए सही लाइन पे। हेलो कमेंट, चंदन जी फर्स्ट पे आ रहे हैं, अक्षय कोलेकर सेकंड पे।
आपको ये बताना है, रिवर ऑफ वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया डू नॉट फॉर्म डेल्टा? यस सर, करेक्ट है। दे फ्लो थ्रू शॉर्ट कोर्सेज ऑन रिलेटिवली हार्ड रॉक? सर करेक्ट है। और आर करेक्ट है इसलिए सर ए भी करेक्ट है, उसका मतलब हमारा आंसर जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। और अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही आप लोगों को इसका पूरी करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे दी थी, और मैं मतलब अब समझ रहे हो क्या गड़बड़ होने वाली। तो गड़बड़ यही हो गई कि आप लोगों ने ना 179 डिग्री का एंगल देखा नहीं, और जिन्होंने गलती की ना यहाँ पे, तो इसका मतलब है कि वो लोग सीरियसली यहाँ बैठे भी नहीं। इस चीज़ की एक्सप्लेनेशन मैं आपको ऑलरेडी दे चुका था, आपको तो सिर्फ उस हिंट को पकड़ना था और अप्लाई करना था, लेकिन गड़बड़ होगी ना। हमारा जो आंसर यहाँ हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ए। दोनों ही सही हैं, डेल्टा फॉर्म नहीं करते और शॉर्ट कोर्स होता है, इसलिए हार्डर रॉक्स को वो इरोड नहीं कर पाते, सेडिमेंट आ नहीं पाता, और इसलिए डेल्टा की फॉर्मेशन नहीं होती। और यहाँ पर जिस चीज़ की फॉर्मेशन होती है उसी को शास्त्रों में एस्चुरी कहा जाता है, या हिंदी मीडियम समझो जवारदन मुख बोला जाता है उसे, ज्वारदन मुख डेल्टा। तो जो रियल में डेल्टा नहीं होते, नदी शांत रूप से जाकर के मर्ज हो जाती है, ठीक वैसा ही है। दो तरह के लोग होते हैं, जो पौवा पी करके पूरा हुड़दंग करते हैं, और दूसरे टाइप का जो लोग होते हैं वो पीते हैं और सो जाते हैं एकदम लंबी खामोशी, फिर सुबह ही उठते हैं। तो ये समझ लो लंबी खामोशी वाले ये एस्चुरी होती है, ये आते हैं और साधारण रूप से मर्ज हो जाते हैं। तो इसका आंसर हमारा ए हो जाएगा, और बढ़ेंगे हम आगे। सुधांशु मिश्रा, आपको प्लस कोर्स चाहिए तो आपको एप्लीकेशन पे जाना होगा, और जैसे एप्लीकेशन पे जाओगे तो सब्सक्रिप्शन का बटन होगा, क्लिक कर देना, और जैसे ही आप सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करोगे आप लोगों को प्लान पे पहुंचा देगा, और प्लान पे जैसे पहुंचोगे प्लान चूज कर लेना भैया और फीस पे कर देना। सुधांशु मिश्रा समझ रहे हो गया आंसर। और जब 10% का डिस्काउंट चाहिए होगा तो कोड याद रख लेना ROH10, ये कोड अप्लाई कर दोगे तो 10% आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा, है कि नहीं। वजीराज जी कोई दिक्कत नहीं है, करत करत अभ्यास ते जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जाते सिल्पल पलत निशान। और इस तरह से उम्मीदें छोड़ोगे तो यूपीएससी उम्मीद छोड़ने वालों के लिए थोड़ी है, यूपीएससी तो बनाई उसी के लिए है जिसके अंदर उम्मीद की आग हमेशा बनी रहती है। तक फोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, इस एटीट्यूड वाले लोगों को ही स्वागत है यूपीएससी। और मैं आपको बार बार ये कहता हूं कि दुनिया में सबसे शाणा प्राणी कौन सा है, याद है आपको वो लोमड़ी? दुनिया में सबसे शाणा पशु मेरे लिए कौन सा है? मैं दुनिया में सबसे समझदार इंसान किसे मानता हूं? मैं सबसे इंसान तो नहीं मतलब सबसे समझदार जानवर किसे मानता हूं? इस लोमड़ी को, वो लोमड़ी जो पूरी तरह से कोशिश कर रही है अंगूर को पाने की, और अंगूर जब आखिरी दम तक जब उसने कोशिश लगा ली और अंगूर नहीं मिला, जब वो ये कह के निकली ना ग्रेप्स आर सोर, इसने दुनिया की सबसे समझदारी वाली बात की थी। दुनिया में सबसे समझदार प्राणी मुझे यही लगती है फोक्स, यानी यूपीएससी की प्रिपरेशन की मैं बात कर रहा हूँ। जब तक फोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, इस एटीट्यूड के साथ आगे बढ़ो, और लास्ट में अगर कुछ ना हो पाए तो इस लोमड़ी का एटीट्यूड अपना लो, अंगूर खट्टे हैं, यानी यूपीएससी अपने लिए बना ही नहीं बॉस। चलो अब ये कहता है कि क्वेश्चन नंबर 15 पे आ गए, और ये कह रहा है कि नेशनल वाटरवे 1 बताना है आपको किसको किससे कनेक्ट करता है नेशनल वाटरवे 1। तो मैं आपको दे रहा हूं 45 सेकेंड, और बताओ क्या आंसर होने वाला है। वेरी गुड इवनिंग सालू सोनी, वेरी गुड इवनिंग। खुशी की बात यह है कि 86% ने लोगों ने सही आंसर दिया है, और बाकी 40% लोग हैं ना वो अलग ही दुनिया में चल रहे हैं, इन्होंने ठान लिया है कि भीड़ में नहीं चलना, मतलब अगर सही आंसर है तो सही अपने को देना ही नहीं। टाइम इज ओवर, देख लो कमेंट कर लो।
फजीराज अब्दुल अजीज, अच्छा हुआ अच्छा हुआ। आएंगे आएंगे, ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे जो आप लोगों को बूस्ट कर देते हैं, टेंशन नहीं है। अब डीआरजी, अगर आप लोगों को नेशनल वाटरवेज वन पे जाना है तो पहले आपको ये समझना होगा कि इंडिया के अंदर नेशनल वाटरवेज वन की, नेशनल वाटरवेज की जो संख्या है वो लगभग 111 है। और जिस तरह से नेशनल हाईवे बने हुए हैं, अब डेडिकेटेड रोड्स होते हैं, हाईवे का मतलब ये होता है कि भैया आपकी जो गाड़ी है झन्नाटेदार तरीके से जाएगी, बहुत बढ़िया तरीके से हाईवे बने होते हैं। और उसी तरीके से जब हम लोग है ना पानी के ऊपर भी कोई है ना ऐसा रास्ता नहीं बना हुआ, बस ये समझ लीजिए हमें पानी के ऊपर जहाज़ों को लेकर के चलना है और इसी के लिए मुझे बनाना पड़ेगा नेशनल वाटरवेज। तो जिस तरह से नेशनल हाईवे को नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया संभालती है, उसी तरह से हमें नेशनल वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया भी बनाना पड़ेगा 1986 में। और इन्हीं के अंडर में सारे के सारे प्रोजेक्ट सेंक्शन होने वाले हैं। तो इन्होंने जो सेंक्शन कर रखे हैं वो 111 कर रखे हैं। तो इंडिया में जो लगभग नेशनल वाटरवेज वन है 111 है, जिसमें सारे के सारे अभी फंक्शनल नहीं हुए हैं, बस उसमें कुछ ही फंक्शनल हुए हैं। और उसमें अभी जो पहले आपको, आप आओगे तो आपको पता चलेगा कि पहले छः जो हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। और यहाँ पहले छः ही की बात हो रही है, नेशनल वाटरवेज वन है, टू है, थ्री है, फोर है और फाइव है। तो नेशनल वाटर वन जो है वो सबसे लॉन्गेस्ट में आता है, जो कि कहाँ है, जो आपकी अलाहाबाद से लेकर के आपका हल्दिया तक पहुँचता है। तो अलाहाबाद से हल्दिया के बीच में गंगा नदी के ऊपर आपको ये नेशनल वाटरवेज दिखेगा। नेशनल वाटरवेज टू जो है वो धुबरी से लेकर के सादिया के बीच दिखेगा, जो कि अरुणाचल प्रदेश में 891 किलोमीटर कहाँ पे दिखेगा, ब्रह्मपुत्र नदी पे। तीन पे सब आप आओगे सर, वेस्ट कोस्ट कनाल है जो कोलम से कोटापुरम तक जाता है 205 किलोमीटर में केरला में। और फिर नेशनल वाटरवेज फोर की बात करेंगे तो सर काकीनाडा से पुडुचेरी की तरफ जाएगा, 1078 किलोमीटर है आंध्र प्रदेश के अंदर, काकीनाडा से पुडुचेरी। तो पुडुचेरी आपको कहाँ मिलता है, तमिलनाडु की साइड में, और काकीनाडा कहाँ मिलता है, आंध्रा में, ठीक है, 1078 किलोमीटर। पाँच पे जब आप आओगे तो जो नेशनल वाटरवेज पाँच है वो आपको कहता है तालचेर या फिर गोवंखाली से लेकर के तालचेर के बीच में, या तालचेर से पैरादीप के बीच में भी बोल सकते हो आप लोग यहाँ से। तो ये नेशनल वाटरवेज पाँच हो जाएगा। और फिर आखिरी में नेशनल वाटरवेज छः है जो लखीमपुर से भांगा के बीच आएगा, जो कि बेसिकली असम के रीजन में ही आपको दिखेगा, ब्राक नदी पे। तो ये गंगा नदी पे, ये ब्रह्मपुत्र नदी पे, ये कनाल पे है सर तीन, ये गोदावरी नदी पे, ये भी कनाल पे है, और ये जो छः नंबर है ये ब्राक नदी पे है। और ये ब्राक नदी मणिपुर से आ रही थी, याद कीजिए रिवर वाले टॉपिक पे। तो ये मैंने आपको नेशनल वाटरवेज का आइडिया दे दिया है। और जब अलाहाबाद से हल्दिया की बात करते हैं तो ये नेशनल वाटरवेज वन है जो इंडिया का फिलहाल सबसे लॉन्गेस्ट वाटरवेज है। और जब मैं आगे बढ़ता हूँ तो आपसे एक जज्बाती सवाल ना पूछ ले एग्जामिनर, इसलिए मैंने आपके लिए ये भी बना रखा है कि जो नेशनल वाटरवेज हैं अब उनको क्यों बूस्ट किया जा रहा है। जब मैं ट्रांसपोर्टेशन की बात करता हूँ तो ट्रांसपोर्टेशन में हम देखते हैं कि तीन तरह के ट्रांसपोर्टेशन यहाँ पर चल रही है, एक रेलवे, एक हाईवे है और एक इनलैंड वाटरवेज आ गया है ना, वाटरवेज, इनलैंड वाटरवेज। तो आप देखिए कौन सा ज़्यादा इफेक्टिव होने वाला है। तो एक तो सबसे पहले आपका इनलैंड वाटरवेज जो है ना वो एनवायरमेंटल फ्रेंडली है, कॉस्ट इफेक्टिव है, सस्ता पड़ता है। सबसे सस्ता माध्यम जो है ट्रांसपोर्टेशन का वो हमारा वाटरवेज ही है। और जब मैं आगे बढ़ूंगा तो देखिए एक एनवायरमेंटल फ्रेंडली है तो बढ़िया चीज़ है, सस्ता पड़ रहा है तो इसका मतलब बहुत बढ़िया है। दिक्कत यहाँ ये हो सकती है ट्रांसपोर्टेशन में थोड़ा सा ये टाइम कंज्यूमिंग है, तो इनलैंड वाटरवेज है ये टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है थोड़ा सा। लेकिन वही बात है, जो हमें सस्ता पड़ रहा है कोई दिक्कत नहीं, टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगी तो कोई बड़ी बात नहीं। और अगर आपसे पूछा जाए कि अभी भी हम लोग सबसे ज़्यादा कहाँ से ट्रांसपोर्टेशन करते हैं तो हाईवे पे ट्रांसपोर्टेशन अभी भी ज़्यादा हो रहा है, और उसके बाद रेलवे पे ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, और सबसे कम अभी भी हम लोग इनलैंड वाटरवेज पे कर रहे हैं, जबकि इनलैंड वाटरवेज की जो संभावनाएँ हैं ट्रांसपोर्टेशन की वो ज़्यादा है, उसको बढ़ाना चाहिए। और जितना ज़्यादा बढ़ाएंगे उतना ही फायदा आगे हमें होने वाला है। इससे फायदा एक तो ये होगा कि ट्रांसपोर्ट एक तो एनवायरमेंटल फ्रेंडली हो जाएगा, ठीक है, और ऊपर से जो एक्सीडेंट वगैरह होते हैं ना उसकी संभावनाएं इनलैंड वाटरवेज पे कम हो जाएगी। बस थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होगा, कोई दिक्कत नहीं। और एक बात तो क्लियर है, जो टाइम कंज्यूमिंग है वो ऑटोमेटिकली चिप तो होना ही होना है, हाँ कि नहीं। आंसर हमारा आ गया क्लियर। सर क्वेश्चन नंबर 16 पे आ रहा हूँ मैं। क्वेश्चन 16 है वो आपको कह रहा है कि घिपान लेक बताना है कि वो कहाँ मिलेगा, जो कि बेसिकली स्नो कवर्ड होता है, मतलब ज़्यादातर इस पे आपको स्नो मिलेगी, और बोल रहा है कि घिपान लेक बताओ कहाँ है, बताना है आपको आंसर क्या होना चाहिए। आराम से सोचो भैया,
आंसर बताओ। अब्दुल अजीज जी, 111 का मतलब होता है 111। ओनली टू हैव गिवन द आंसर, इसका मतलब है कि 68% 78% बागड़ बिल्ले आंसर सही नहीं दे रहे हैं। बस सिर्फ दो लोगों ने दिया है आंसर, उसके बाद आंसर नहीं आया बेटे। तो अगले इस पे आ जाओ सीन पे, और यहां देखो, यहां पर ये जम्मू कश्मीर है, इसको छोड़ो, जम्मू कश्मीर से नीचे वाले मैप को मैं ड्रॉ कर देता हूं। ये वाला हिस्सा जो है ये किसका हिस्सा है सर? ये वाला सारा का सारा हिस्सा जो है हिमाचल प्रदेश का, और हिमाचल प्रदेश के नॉर्थ हिस्से पे आपको क्या दिख रहा है सर? हिमाचल प्रदेश के नॉर्थ हिस्से पे मुझे एक लेक दिख रही है जिसे मैं गिपांग लेक बोलता हूं। उसका मतलब आंसर हमारा क्या हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश। पता क्या है, गूगल अर्थ आता है ना, गूगल अर्थ पे इस तरह की चीजें जब आप ढूंढोगे, बस दिक्कत ये होती है कि जो ऐप पे जो क्लास होती है इसको गूगल अर्थ से कनेक्ट नहीं कर पाते, जब यूट्यूब पे क्लास होती है तो उसको हम लोग गूगल अर्थ से कनेक्ट कर देते, तो ये फायदा एक हो जाता है यूट्यूब के सेशन पे। तो इसका मतलब घेपान जो लेक है, स्नो कवर्ड लेक है, नॉर्थ आपको मिलेगा, जम्मू कश्मीर से टच होता ही मिलेगा, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर की जो बाउंड्री है उस साइड में सबसे नॉर्थ में आप लोगों को जो लेक मिलेगी दैट इज द घेपांग लेक। तो ये रहा घेपांग लेक, घेपांग लेक, ठीक है। चलो बढ़े आगे सर, क्वेश्चन नंबर 17 है, और क्वेश्चन नंबर 17 ये कहता है कि गुरु डोंगमर लेक एक, और ये किसके नाम पे दिया गया है? गुरु पद्मस्वाभा, पद्मा संभव के नाम पे दिया गया। और जब गुरु पद्म संभव की बात करोगे तो आपको पता चलेगा कि 8th century के अंदर बुद्धिस्ट मोंग थे, है ना, बुद्धिस्ट मोंग थे, और बुद्धिज्म का ये प्रसार प्रसार करना चाहते थे, और इसीलिए ये इंडिया में आए थे। और इंडिया में किस हिस्से में आए थे कि वहां से, इसका नाम हम देखेंगे कि गुरु पद्म संभव के नाम पे गुरु डोंगमार लेक भी रख दिया गया, और ये इंडिया के वन ऑफ द हाईएस्ट लेक में आता है, है ना, या ये कह लीजिए इंडिया में हाईएस्ट लेक आ रहा है तो वर्ल्ड में भी वन ऑफ द हाईएस्ट होता है, बट वन ऑफ द आ गया है तो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, हाईएस्ट होना चाहिए, वन ऑफ द आते ही गड़बड़ होगी ना, छोड़ दो इसे। आपको बताना है कि ये लेक कहाँ मिलने वाली, गुरु पद्म संभवा के नाम से गुरु डोंगमार लेक आपको कहाँ मिलने वाली, इसका मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं और बताना है कि इसका आंसर क्या होने वाला है। मथु नहीं, अभी सेशन लेक पे नहीं आए हैं, ये तो यार बाय सेल्फ करने वाली चीज है, इसमें कुछ अंडरस्टैंडिंग वाली चीज है नहीं, ठीक है, बट इफ टाइम विल स्पेयर तो हम इस पे भी हम देख लेंगे, वो टेंशन नहीं, ठीक है। तो डियर जी, जब मैं जैसे ही अगले मैप पे आता हूं तो आपको देखो ये जो हिस्सा दिख रहा है ये है पूरा का पूरा सिक्किम वाला हिस्सा, और सिक्किम के साइड में सबसे नॉर्थ में आपको ये वाला हिस्सा दिख रहा है यहाँ पे, इसी को कहते हैं नॉर्थ की साइड में गुरु डोंगमार लेक। और मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि एक बुद्धिस्ट हैं और जो इंडिया में आते हैं, तो आपको भी पता है कि इंडिया के अंदर अगर कहीं पे भी कन्फ्लिक्ट चल रहा है चाइना और इंडिया के बीच में, तो सिक्किम में ही चल रहा है, और ये तिब्बतान गुरु थे, तिब्बत वाले रीजन, ये तिब्बतान गुरु थे, तो सीधी सी बात है सिक्किम वाले हिस्से में ही आए होंगे।
तो वहीं पे ये लेख मिलती है, इसलिए हमारा जो आंसर है यहाँ पर डी हो जाएगा सिक्किम। मैं और कुछ बोल बच्चन गिरी तो है नहीं, ठीक है। तो ये है गुरुडोंग मार्लिक। सर क्वेश्चन नंबर 18 पे जब हम आते हैं तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि हिमाचल प्रदेश के अंदर, हाँ ये जज्बाती सवाल है, ये हमारा जो क्वेश्चन है बड़ा जज्बाती है। ये कहता है कि हिमाचल प्रदेश के अंदर एक कनाल इरिगेशन का जो लोकल सिस्टम प्रिवेलेंट था, जो लगभग लगभग 400 ईयर्स अगो दिखता था, यानी मतलब 400 सालों से पहले से ही हम देख रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में कनाल सिस्टम जो है, कनाल इरिगेशन सिस्टम, वो इवॉल्व था, आज भी है बट ना के बराबर है। तो वो कौन सा सिस्टम था हिमाचल प्रदेश के अंदर जो आज हम देखते हैं कि समय के साथ खत्म हो रहा है। और यहां पर ए से लेकर के डी तक दिया गया है। ये कहता कुल था, बाउरी था, झलारा था या खादिन था। हिमाचल प्रदेश में कैनाल इरिगेशन का वो लोकल सिस्टम जो 400 साल पहले प्रिविलेंट ज्यादा था, बट आज हम देखते हैं उसकी संख्या बहुत कम हो गई है या ना के बराबर हो गई है। तो बताना है क्या आंसर हमारा इसमें से होगा। समय मैं दे रहा हूँ आप लोगों को अच्छा खासा, तो इसलिए बताओ क्या आंसर होगा। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है देखना इसमें कि आप कित क्या आंसर दोगे। अरे वाह, सेजल ब्रिजवासी ने यहाँ पर आंसर बड़ा स्टीक दिया है, और आई एम वेरी इंप्रेसिव सेजल ब्रिजवासी का मतलब है आपको इस चीज का अच्छा खासा ज्ञान है। गौरी गुप्ते बहुत बढ़िया, और 42% ऐसे स्टूडेंट हैं जो अभी भी गलत है। ठीक, टाइम ओवर। ये लीडर बोर्ड शेयर है देख लो, सबसे पहले चल रहे हैं हिमांश, सेकंड पे अक्षय कोलेकर, थर्ड पे सरित प्रीत, अंबिका फोर्थ नंबर पे है, कोई दिक्कत नहीं अंबिका, और साजिया खान। अभी भी क्वेश्चन आने वाले हैं और अभी अभी आप बूस्ट कर सकते हो, अपने एनर्जी को बूस्ट करो। और चंदन काफ़ी पीछे चले गए हैं, गौरी गुप्ते अभी भी बहुत समय बच्चे, आओ कोई टेंशन नहीं है। तो एक बार इसका आंसर करने से पहले आप ये समझ लो कि दरअसल हो क्या रहा है। सर ये नदी है, ये नदी जा रही है, और इस नदी के साथ साथ क्या कर रखा है, इस नदी के साथ साथ हम लोगों ने एक नेचुरल बैरियर लगा दिया और नदी के पानी को दो हिस्सों में बांट दिया। तो मेन रिवर तो इधर से चली गई, लेकिन जो उस नदी का जो दूसरा हिस्सा बनाया वो हमने कनाल की इरिगेशन के रूप में बना दिया, और इसको हम मोड़ करके ले जा सकते हैं इरिगेशन के पर्पज को यूज करने के लिए। तो ये वाला जो हिस्सा आपको दिख रहा है, आप देख रहे हो नदी के बीच में हम लोगों ने क्या किया, नदी के बीच में यहां पर एक है ना पत्थर वगैरह लगा करके एक बैरियर खड़ा कर दिया है कि नहीं। और इस नदी के बीच में जो बैरियर हमने पत्थरों वाला लगाया, इसने क्या कर दिया, नदी को दो हिस्सों में बांट दिया, एक हिस्सा ये और मेन रिवर हमारी यहां से जा रही है। तो जो हिस्सा अलग हुआ उसने इरिगेशन का मॉडल जो है वो अप्लाई कर दिया। फायदा हुआ कि नहीं हुआ? यस, तो इस सिस्टम को ही हम कहते हैं कुल सिस्टम। इसी सिस्टम को हिमाचल प्रदेश के इसी सिस्टम को कहा जाता है कुल सिस्टम, ठीक है। और मैं बता दूं आप लोगों को, ये क्वेश्चन जो है यूपीपीसीएस का है, आना ही था है ना, उसी साइड पे ऐसे क्वेश्चन जो है जज्बाती हो जाते हैं। चलो बढ़े आगे। सर क्वेश्चन नंबर 19 पे आ रहा हूं मैं, और ये कहता है कि यहां पर वाटरफॉल का पेड़ बना हुआ है और बताना है कि कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। ये है खेल, और डेफिनेटली यहां गड़बड़ होने वाली है। और आंसर जो है आपको देना है क्या होगा, 45 सेकंड का समय दे रहा हूं, और अगर इसमें आंसर दे दिया तो इसका मतलब है कि आप लोग, अरे वाह बहुत बढ़िया भाई, फिफ्टी परसेंट लोगों ने अभी आंसर इनकरेक्ट दिया है। कोई दिक्कत नहीं अनुराधा, आंसर दो बच्चे। ओनली टू हैव गिवन द आंसर। हाँ लक्ष्मण अब आया है, कर लो कमेंट, कर लो भाई।
डियर जी, हाँ ये थोड़ा सा ट्रिकी हो गया, और ये जो क्वेश्चन है ये झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, आप देखिए झारखंड है तो आपको पता चलेगा ये सारे के सारे झारखंड में ही तो हैं, तभी तो झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन में आया है। और मैं जब बात कर रहा हूँ हुंडरू की, तो हुंडरू सर स्वर्ण रेखा पे है ये तो मेरे को पता है, क्योंकि ये तो जनरली जब भी मैं स्वर्ण रेखा नदी की बात कहता हूँ तो हुंडरू आ ही जाता है। अब सवाल है कि जब झारखंड की बात आ गई तो अब छोटे मोटे जो है वो तो पूछे ही जाते हैं, तो इसमें एक है जोना, एक है दासोंग और एक आता है लोध। तो सीन ये है कि जब आप जोना पढ़ोगे तो रारू नदी पे है ये करेक्ट है, दासोंग पढ़ोगे तो कांची नदी पे है ये करेक्ट है, जब झारखंड की नदियों की बात कहते हो तो बेसिकली ये स्ट्रीम्स में आपको दिखेंगी, बड़ी नदियों में नहीं आती, जो नदियों की जो छोटी छोटी स्ट्रीम्स होती है ना ये उसमें आपको दिखेगी। और उसी तरीके से सर अगर हम जब आप चलते हैं तो बूढ़ा बुराही नदी या बूढ़ी नदी, बुराही नदी के ऊपर जो है लोध फॉल्स मिलेगा, ना कि बराकर पे। बराकर जो होती है वो दामोदर की सहायक नदी में आती है, तो इसलिए ये बुराही नदी पे है, BURHI बुराही नदी, ना कि बराकर नदी पे। तो कंफ्यूजन देने के लिए बराकर और बुराही सेम सा दिख रहा है, बट करेक्ट नहीं है, और आंसर हमारा डी हो जाएगा। डी है तो बराकर नदी पे ना होकर के ये बुराही नदी पे हो जाएगा, है कि नहीं? तो इस तरीके से ये आंसर हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा, डी। तो ट्रिकी था, ऑब्वियसली ट्रिकी था, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो ये हिडन फैक्ट है, ये ऐसा फैक्ट है मतलब नहीं पता था, ये तो मतलब छुपा हुआ रहस्य था, गुप्त गुप्त रहस्य। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं, और जिन लोगों ने मेरे इंडियन ज्योग्राफी क्लास लगाई है और जिनको मैंने ट्रिक बताया हुआ था कि दोआब याद रखने का ट्रिक क्या, और बहुत सिंपल सा ट्रिक है, तो वो बोल रहा है कि दोआब है और बताना है किन नदियों के बीच में हुआ। ठीक है, तो दोआब है और बताना है कि कौन से नदियों के बीच में हुआ, तो बताना है इसमें क्या आंसर होने वाला है। चलो इफ देर इज नो वन फ्रॉम झारखंड देन फजीराज देर इज नॉट अ बिग इशू, द इशू इज देर इज अ क्वेश्चन विच माइट कम इन UPSC ऑल्सो, एंड हुंडरू इज वन ऑफ द फेमस वाटरफॉल। आई थिंक यू गॉट द पॉइंट, इट डजेंट मैटर इफ दिस इज बिलोंग्स टू द स्टेट्स, द मैटर इज स्टेट इज द पार्ट ऑफ इंडिया एंड UPSC इज यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, देन देर इज अ प्रोबेबिलिटी देर इज सच काइंड ऑफ द क्वेश्चन वुड कम। चलो बढ़े आगे सर, ट्रिक ये था, मैंने आपको बताया हुआ है कि जब आप है ना ऐसे दोआब पढ़ोगे तो दोआब में ना नाम ही लिखा हुआ है, दोआब के अंदर ही आंसर है। सर यहां देखो क्या लिखा गया, एक पे बी है और एक पे एस है, तो बिस्ट दोआब, बी मतलब ब्यास, एस मतलब सतलुज, तो ब्यास और सतलुज कहां दिख रहा है आप लोगों को, तीन में दिख रहा है, तो इसका मतलब ए का तो आ गया तीन। बारी दोआब, बी का मतलब ब्यास हो गया, आर का मतलब रावी हो गया, तो ब्यास और रावी के बीच में कहां दिख रहा है सर, बी का टू। रेचना दोआब, यहां आर दिख रहा है, यहां सी दिख रहा है, आर का मतलब रावी हो जाएगा, सी का मतलब चेनाब हो जाएगा, इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा ए। और छाछ दोआब, सी का मतलब चेनाब हो जाएगा, जे का मतलब झेलम हो जाएगा, इसका मतलब फोर, तो आंसर क्या हो जाएगा सर, बिस्ट दोआब, ए का तो तीन दिख रहा है, तो इसका मतलब आंसर हमारा ए हो जाएगा, बात खत्म। तो 3 2 1 4 यही तो दिख रहा है ना हमारा, 3 2 1 4 यही तो आंसर है, यस। तो आप समझ रहे हो दो आपको करने का तरीका कितना आसान है, बहुत इजी ही तो है। चलो क्वेश्चन नंबर 21 पे पहुंच रहे हैं हम लोग, और ये कह रहा है कि नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में आप लोगों को इन नदियों को सजाना है, नॉर्थ से साउथ पे आप लोगों को इस नदी को सजाना है, तो बताना है कि इसमें से क्या जो क्वेश्चन है वो होने वाला है, मतलब क्या इसमें आंसर होने वाला है, बताओ। नदियों को नॉर्थ से साउथ पे जाना है, अब्दुल अजीज जी। दो आप, दो मतलब ये तो प्रभु आपके नाम से मुझे साफ पता चल रहा है कि आपके नाम से तो आप मुस्लिम हैं, और मुस्लिम ही तो वर्ड है ये,
आप जो वर्ड है वो क्या है? मुस्लिम ही तो वर्ड है। आपका मतलब क्या होता है? पानी, वाटर। और दो का मतलब क्या होता है? दो नदियों के बीच का हिस्सा। एक नदी ये है, एक नदी ये है, तो इनके बीच का जो हिस्सा है इसी को तो कहते हैं दो आब। दो मतलब दो नदियां होंगी, आब मतलब पानी, बीच का हिस्सा दो आब। क्लियर? तो फॉलोइंग रिवर्स को आपको नॉर्थ और साउथ में लेकर के आना था, और ओनली 36% हैव गिवन द करेक्ट आंसर। इसका मतलब है के 64% जो हैं बागड़ बिल्ले गड़बड़ कर गए। तो डियर जी, किशनगंगा जो नदी है वो हमारी कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। तो इसका मतलब सबसे ऊपर तो यही आएगी सर, गंगा नदी, उसके बाद नीचे की तरफ आएगी। फिर सर पेन गंगा आएगी जो कि गोदावरी की सहायक नदी है, और फिर सर पेन गंगा आएगी, वेन गंगा आएगी, फिर सर पेन गंगा आएगी। तो मतलब इनका ऑर्डर करेक्ट है, 1 2 3 4 में ही लगाना है, और 1 2 3 4 हमारा क्या आंसर है? ए हो जाएगा। इसको ऐसे समझो, हमने ये तो समझ ही लिया कि किशन गंगा कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। और गंगा कहाँ है? गंगा सर हमारा उत्तराखंड के अंदर है कि नहीं? उत्तराखंड में। तो इसका मतलब ये तो एक और टू तो हमारा करेक्ट हो ही जाएगा। अब बात आ गई वेण गंगा और पेन गंगा की। अगर कुछ लोगों ने ट्रिक लगाया एक दो का, तो एक दो तो ए और डी में सही है, बी और सी तो वैसे कट जाएगा। अब 4 और 3 पे अगर कन्फ्यूजन है, तो इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने गोदावरी बेसिन यहाँ पर आपको दिया हुआ था। यहाँ पर पहले जो नदी आ रही है वो देखो, यहाँ पर वेण गंगा दिख रही है, और उसके नीचे जो नदी दिख रही है आप लोगों को पेण गंगा दिख रही है। तो वेण गंगा ऊपर आएगी, पेण गंगा नीचे आएगी, है कि नहीं? तो देखिए वेण गंगा कहाँ से आ रही है, ऐसे समझना ना आपको, ऊपर की तरफ से। का मतलब है कि वेण गंगा पहले करोगे, पेण गंगा बाद में करोगे। इसका मतलब है हमारा आंसर 1 2 3 4 ही आएगा, दैट वुड बी डेफिनेटली ए होना चाहिए। ठीक है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। बढ़े आगे, क्वेश्चन नंबर 22 पे आ गए। और अब आपको ये बताना, देखो ईस्ट फ्लोइंग रिवर है और वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। वेस्ट फ्लोइंग रिवर डेल्टा नहीं बनाती। क्यों नहीं बनाती? क्योंकि सर वेस्ट फ्लोइंग रिवर आगे बढ़ने के दौरान रिफ्ट वैली से होकर के चलती है, और जब सब वो रिफ्ट वैली से होकर के चलती है तो क्या है, हार्ड रॉक्स होने की वजह से इरोजन एक्टिविटी नहीं हो पाती, और इरोजनल एक्टिविटी नहीं हो पाती तो सिल्ट उसमें नहीं आ पाता, सेडिमेंट्स नहीं हो पाता, और सेडिमेंट नहीं हो पाता तो डेल्टा नहीं बन पा रहा था। समझ रहे हो? उसका मतलब वेस्ट फ्लोइंग रिवर जो है वो रिफ्ट वैली से होकर के जाती थी, जबकि ईस्ट फ्लोइंग रिवर रिफ्ट वैली से होकर के नहीं जाती थी। अब सवाल ये कह रहा है आपको कि जो ईस्ट फ्लोइंग रिवर ऐसी एक नदी भी है जो कि ईस्ट में जा रही है रिफ्ट वैली से, और वो रिफ्ट वैली कैसे बनी? वो रिफ्ट वैली बनी है डाउन वार्पिंग की वजह से। और सर डाउन वार्पिंग क्या होता है? वो होता है ये, जैसे ये वाला हिस्सा आप देख रहे हो, यहां तक कोई दिक्कत है नहीं, मतलब ये बिल्कुल फ्लैट रीजन था, और एक टाइम ऐसा कंडीशन आ गई कि बीच वाला जो हिस्सा है वो नीचे की तरफ सबडक्ट हो गया। जब वो नीचे की तरफ सबडक्ट हो गया तो ए और बी साइड जो है आपके वो तो वहीं खड़े रह गए, और सी वाला साइड नीचे आने की वजह से क्या बन गया? सी वाला साइड नीचे आने की वजह से रिफ्ट वैली बन गया। तो मतलब बेसिकली नदी सीधी जा रही थी कभी, बट वहां पर वो हिस्सा नीचे धंसने की वजह से आज हम दिखेगा कि वो नदी रिफ्ट वैली से होकर के जा रही है। तो बताना है कि वो नदी कौन सी है जो रिफ्ट वैली से होकर के जा रही है। क्वेश्चन हाँ, सेजल ब्रिजवासी, बिल्कुल सही। हाँ सेजल ब्रिजवासी, मैंने देख लिया बच्चे। 38% लोगों ने आंसर सही दिया है, 38%। शेखर नायक जो है वो आंसर बी दे रहे हैं। भैया जी समझो, जब बात हो रही है रिफ्ट वैली से जाने की, तो इसमें आंसर करोगे दामोदर। दामोदर के साथ ऐसा हो रहा है, डाउन वार्पिंग दामोदर नदी के साथ आ रही है, मतलब आगे बढ़ने के दौरान डाउन वार्पिंग आ गई, बन गई हमारी रिफ्ट वैली, और रिफ्ट वैली से होकर के जो नदी जा रही है ईस्ट की तरफ वो दामोदर आती है। ठीक है, इसमें ज़्यादा कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं थी, बस पता होना चाहिए, ये फैक्ट्स बेस पे है, ये कोई ऐसा नहीं कि ऐसा क्यों हुआ, ये फैक्ट बेस पे, तो फैक्ट पता होना चाहिए। सर क्वेश्चन नंबर 23 पे आ रहा हूँ मैं, और वो कहता है कि इसमें से बताना है कि कौन सा ट्रू स्टेटमेंट नहीं है,
और अगर आपने इसका भी सवाल का जवाब नहीं दिया तो आप लोगों को युगांडा का ट्रिप पे भेजना पड़ेगा, ठीक है। तो बताओ इसका आंसर जो है हमारा क्या होने वाला है। और क्योंकि क्वेश्चन बहुत सिंपल है इसलिए मैं आपसे 30 सेकंड का ही समय दे रहा हूँ। हाँ, शिवकांत यादव, अक्षय, आशा कुमारी कुमावत, बिल्कुल सही। ये जो 33% आंसर देने वाले लोग हैं ना, जिन्होंने डी को आंसर दिया हुआ है, डी को आंसर दिया है 22% लोगों ने। अभी थोड़ी देर पहले मैंने गोदावरी के बारे में बताया था कि गोदावरी की ट्रिब्यूटरी है पेन गंगा, वेण गंगा, है ना। मतलब दिमाग खोल करके नहीं बैठे आप लोग। पेन गंगा, वेण गंगा किसके सहायक नदियां? पेन गंगा, वेण गंगा सर गोदावरी के सहायक नदियां हैं, तो उसका मतलब ये तो सही है। और निजाम सागर जो है वो आपकी मंजरा रिवर पे है, कहाँ मिलेगा आपको? तेलंगाना में। और नर्मदा नदी तो अमरकंटक से राइज होती है, ये तो हमें पता ही है। और इंदिरा गांधी कनाल जो इंडिया में निकलती है वो हरी के वेटलैंड से निकलती है, जहां पर ब्यास और सतलुज नदी दोनों मिलते हैं, फिर हरी के वेटलैंड बनती है। और हरी के वेटलैंड से इंदिरा गांधी कनाल को निकालोगे पंजाब की साइड से, तो घग्गर नदी पे तो है ही नहीं है। इसका मतलब सर ये इनकरेक्ट होगा, है कि नहीं? यस। चलो क्वेश्चन नंबर 24 आ गया, और वो बोलता है गांधी सागर डैम जो है बताना है आपको, इनमें से गांधी सागर डैम किस नदी के ऊपर है? गांधी सागर डैम आपको बताना है कि इनमें से किस नदी के ऊपर है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसलिए टाइम भी आप लोगों को 30 सेकंड ही दिया जाएगा। सेजल इज करेक्ट, और कमेंट कर लो भाई स्क्रीन पे नाम आ गया। डियर जी, मैं जब आगे बढ़ूंगा तो आपको पता चलेगा कि जो चंबल नदी है, इस चंबल नदी की अगर मैं बात करूंगा तो कहां से आ रही है सर? ये चंबल नदी मध्य प्रदेश से राजस्थान की तरफ जा रही है ना सर। जब मैं चंबल नदी की बात करता हूं तो चंबल नदी जो है, इस नदी के ऊपर डैम भी बने हुए। तो आपका जो मध्य प्रदेश का साइड है और आपका जो राजस्थान का साइड है, मध्य प्रदेश के साइड पे बिल्कुल बॉर्डर साइड पे आपकी एक डैम बनी हुई है, एंड दैट डैम इज गांधी सागर डैम। और राजस्थान के साइड पे जो चंबल नदी पे डैम बना हुआ है सर, उसका नाम है राणा प्रताप सागर डैम। सर आगे बढ़ूंगा तो आगे बढ़ने के दौरान राजस्थान में ही मुझे एक डैम दिखेगा जिसे मैं कहता हूँ जवाहर सागर डैम। और थोड़ा और आगे बढ़ूंगा तो सर राजस्थान में मुझे इसी नदी पे को डैम बनाया जाएगा जिसे मैं बेसिकली कोटा डैम या कोटा बैराज भी बोल देता हूँ। तो जो डैम होता है, डैम भी कई प्रकार के होते हैं, जिसमें एक बराज होता है। बराज का मतलब यहाँ खिड़कियाँ होती हैं अलग अलग सी, और मैंने पानी रोका हुआ है पीछे की साइड पे, और इन्हीं खिड़कियों को दरवाजों को खोलते हैं तो पानी निकल जाता है नीचे से। फिर जब इन खिड़कियों को बंद कर देते हैं तो इसी को हम लोग बेसिकली बराज बोल देते हैं। तो चंबल नदी के ऊपर चार जो है डैम बने हुए हैं, फेमस डैम है। मध्य प्रदेश के साइड पे जो है वो है गांधी सागर डैम, राजस्थान के साइड पे बिल्कुल इसके बॉर्डर पे आप दिखोगे तो राजस्थान के और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पे दो डैम है चंबल नदी पे। मध्य प्रदेश ने जो बनाया हुआ है उसका नाम गांधी सागर है, राजस्थान ने जो बनाया उसका का नाम राणा प्रताप सागर है। और थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो राजस्थान में आपका जवाहर सागर है, और थोड़ा और आगे बढ़ोगे तो कोटा साइड पे कोटा बराज। यहाँ पर आपको चार डैम चंबल नदी पे मिलेंगे, और ये है आपका लीडर बोर्ड। तो एक, दो और तीन जो है आप देखिए किस तरह से रैंकिंग बदल गई है। चलो बढ़े, अब लास्ट के सिर्फ तीन क्वेश्चन और हैं बस, 25, 26 और 27, ओनली 3 क्वेश्चंस हैं। और अब आपको बहुत ही प्यार से इसका आंसर देना है। और जो लोग अभी रैंकिंग में आगे पीछे हैं, इन तीन क्वेश्चन के ऊपर आप रैंकिंग बदल सकते हो। चले चलो
चलो बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 25 ये कहता है, स्टेटमेंट दे रखा आपको और बताना है कौन सा करेक्ट है, बताइए। अक्षय हजारे, अक्षय कोलेकर, हिमांश, सरित प्रीतम, बलवान सिंह। देखिए ऑर्डर बदल रहा है। डीआरजीएस का जो आंसर हो जाएगा हमारा, लीडर बोर्ड पे देख लो, हिमांश, सरित प्रीतम और अक्षय कोलेकर ये हैं। और जब आंसर करेंगे डीआरजी तो आंसर इसका नाइदर वन और नॉट टू हो जाएगा, क्योंकि केरल के अंदर ईस्ट फ्लोइंग रिवर भी है और वेस्ट फ्लोइंग रिवर भी है। तो ये कहता नो ईस्ट फ्लोइंग रिवर, इनकरेक्ट। ये कहता मध्य प्रदेश में कोई वेस्ट फ्लोइंग रिवर नहीं है, तो मध्य प्रदेश में नर्मदा और ताप्ती तो वेस्ट फ्लोइंग ही तो है, कैसे कह सकते हो कि ईस्ट फ्लोइंग रिवर वेस्ट फ्लोइंग रिवर नहीं, तो इसका मतलब ये भी इनकरेक्ट। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, इसलिए नाइदर वन नॉट टू, है ना। ये सारा कॉमन सेंस बेस पे क्वेश्चन है, इसमें कुछ आप लोगों को कोई बड़ी चीज ऐसा नहीं, धुरंधर बनना है ना, पोरस बनना है कि अलेक्जेंडर से लड़ना पड़ेगा इसके लिए, तो बहुत ही कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। इसलिए जिन उनके आंसर गलत हैं उन लोगों को केन्या का 3 दिन का ट्रिप। क्वेश्चन नंबर 26 पे मैं आऊंगा। ये कहता है कि हिमालयन रिवर के बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, हिमालयन रिवर के बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। ये कहता है कि ये दे हैव वेरी लार्ज बेसिन, ये कहता है कि अर्ली स्टेजेस में वो गॉर्जेस बनाते हैं, ये कहता है कि इरोजनल एक्टिविटी इनके द्वारा कम होती है, और ये कहता है कि मैंडरिंग होती है, ऐसे जब प्लेन रीजन में आते हैं तो मैंडरिंग होती है। तो बताना है कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट सही है। 45 सेकंड का समय देता हूं, क्योंकि इसमें थोड़ा सा जज्बाती खेल जुड़ा हुआ है। सोमालिया, अच्छा, यू लाइक सोमालिया और यू वांट टू बी ए पैरेट अब्दुल अजीज। सोमालिया इज बेसिकली फेमस फॉर पायरेसी, तो इफ यू वांट टू बी पायरेट देन अच्छी बात यह है कि इस क्वेश्चन पे सभी के जो हैं जवाब हैं बहुत बढ़िया हैं। 75% लोग बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हैं। चलो कॉल खत्म करें, टाइम इज ओवर, कर लो कमेंट 1 2 3। अब देखो डियर जी एक बात बताओ, जब मैं बात कर रहा हूं हिमालयन रिवर की, एक बात तो क्लियर है कि हिमालयन रिवर का जो बेसिन होगा काफी बड़ा होता है। अब हिमालयन रिवर में इंडस नदी आ जाती है, गंगा नदी आ जाती है और ब्रह्मपुत्र नदी आती है, और तीनों नदियां बड़ी हैं कि नहीं है, बिल्कुल, तो लार्ज बेसिन तो है ही है। सर अर्ली स्टेज में वो गॉर्जस से गुजरते हैं, इंडस नदी वो गॉर्जस से आती है, ब्रह्मपुत्र नदी वो गॉर्ज की वजह से एंट्री लेती है, तो इसका मतलब ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। और अगर नदी आ रही है तो इरोजनल एक्टिविटी इनमें ज्यादा होगी कि कम होगी। सर पहाड़ों से आ रही है, और जब ऊपर से नीचे की तरफ आएगी पहाड़ों से, तो सर इरोजनल एक्टिविटी भी इनमें ज्यादा होगी, तो उसका मतलब ज्यादा होनी चाहिए। और ये कहता है कि ये बहुत कम इरोजनल एक्टिविटी करते हैं, ये तो बहुत कम का मतलब ये तो गलत हो गया ना। तो इरोजनल एक्टिविटी जो परफॉर्म होगी वो वेरी लिटिल होगी, नहीं सर इरोजनल एक्टिविटी ज्यादा होगी, और ज्यादा होगी तो उसका मतलब है ये करेक्ट, हमारा जो स्टेटमेंट है इनकरेक्ट हो जाएगा, है ना, करेक्ट नहीं है, ज्यादा होनी चाहिए ना। ये कहता है वेरी लिटिल है इरोजनल एक्टिविटी, नहीं सर ज्यादा है तभी तो डेल्टा बनाती है, और बहुत बड़े डेल्टा का निर्माण करती है बकायदा गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी। क्यों? क्योंकि इनमें इरोजनल एक्टिविटी ज्यादा होती है, सेडिमेंट ज्यादा होता है, सेडिमेंट की डिपोजिशन ज्यादा होगी तो सुंदरबन डेल्टा का निर्माण होगा जो कि बड़ा है। लिटिल हो जाता तो फिर तो ऐसा थोड़ी बन पाता। और यहां पर सर नदियां आगे बढ़ने के दौरान मैंडरिंग भी करती हैं, ये देखो ऐसे मैंडरिंग करेंगी नहीं, सेडिमेंट जितना ज्यादा होगा नदियां उतनी ज्यादा मैंडरिंग करेंगी, है ना, विसर बनाएंगे। और लास्ट क्वेश्चन आ गया है, क्वेश्चन नंबर 27, आपको बताना है कि भारत की वो कौन सी नदी है जो बायोलॉजिकल डिजर्ट कहलाती है। और यहाँ पर डिजर्ट का मतलब ये है, डिजर्ट क्या होते हैं, मरु स्थल, मरु का मतलब मृत्यु, स्थल का मतलब जगह, ऐसी जगह है मतलब जहां कोई आपको जीवाश्म मिलेंगे नहीं, जीवाश्म तो गलत वर्ड है, बेसिकली एनिमल जो मरीन इकोसिस्टम है वो आपको मिलेगा नहीं,
बायोलॉजिकल डिजर्ट का मतलब है यहां पर मरीन इकोसिस्टम गायब है। और मरीन इकोसिस्टम क्यों गायब है वो तो अब आपको जो है आंसर देना है, मरीन सिस्टम क्यों गायब है, क्यों नहीं है यहां पर, तो बताना है कि कौन सी नदी इसमें से बायोलॉजिकल डिजर्ट कहलाती है। बताओ क्या आंसर होगा। आशा कुमारी कुमावत, ये पोल चल रहा है ऐप पे, अन अकेडमी का लर्निंग ऐप पे बच्चे। तो यूट्यूब पे तो सिर्फ आप कमेंट सेक्शन में ही आंसर दे सकते हो, लेकिन ऐप पे आओगे तो वहां पर पोलिंग होती है। आपने अपनी रैंकिंग देख ली, और यहां पर मरीन जो इकोसिस्टम डैमेज हुआ है सर क्यों हुआ है, देखो क्या होता है कि छोटा नागपुर पठार की तरफ मैं जब आऊंगा तो यहां से एक नदी निकलती हुई दिखेगी जिसे मैं नाम देता हूं दामोदर, और दामोदर नदी है इसी वजह से आप लोगों को इस बेल्ट में क्या बनती हुई दिखेंगी, छोटा नागपुर पठार में आपको मिनरल्स ज्यादा मिलते हैं, तो इसलिए यहां पर इंडस्ट्री आपको ज्यादा मिलेगी, और इंडस्ट्री अगर है तो इंडस्ट्रियल वेस्ट भी ज्यादा होंगे, और यहाँ जो इंडस्ट्री आपको दिखेगी वो काफी हैवी इंडस्ट्री में दिखेगी, मतलब जैसे धनबाद का रीजन, झारखंड का रीजन आप आओगे, झारखंड में आ पाओगे, छत्तीसगढ़ के रीजन में आ पाओगे, बंगाल के रीजन में आ पाओगे, तो छोटा नागपुर पठार के ये क्षेत्र हैं, और यहाँ हैवी इंडस्ट्री है, बोकारो प्लांट है, भिलाई प्लांट है, समझ रहे हो, तो ये प्लांट जो है आपके दुर्गापुर प्लांट है, प्लांट ज़्यादा होंगे तो उसका मतलब उसका वास्ट भी ज़्यादा होगा, और वास्ट अल्टीमेटली कहाँ आप डालते हो, वास्ट अल्टीमेटली नदी में जाती है, तो नदी यहां पर कौन सी दिख रही है सर, दामोदर नदी, और वास्ट जब आप दामोदर नदी में डाल दोगे तो, और केमिकल इसमें अगर हैवी हैं उसका मतलब है कि वो नदी धीरे 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 समय के साथ क्या हो जाएगी, डिजर्ट हो जाएगी ना, मतलब उसमें मरीन इकोसिस्टम तो काम होएगा ही नहीं, मतलब मछलियां मछलियां यार मिलेंगी ही नहीं दोस्त, तो एक तरीके से इंडिया की डेड रिवर मानी जाती है दामोदर नदी, डेड रिवर, बायोलॉजिकल डिजर्ट रिवर, आप लोग एनवायरनमेंट में पढ़ते हो ना बीओडी सीओडी, बायोलॉजिकल ऑक्सीडेंट ऑक्सीजन ऑक्सीजेशन सॉरी ऑक्सीजन डिमांड एंड केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, वो सब यहाँ होता ही नहीं है। अरे नहीं आशा कुमारी कुमावत, सब्सक्रिप्शन के लिए थोड़ी होगा बच्चे, आशा कुमारी आप ना ऐप पे आओ बच्चे, ऐप पे अभी तो आने की जरूरत नहीं है क्योंकि अभी का तो सेशन जो है अब खत्म हो रहा है, आप मुझे ऐप पे फॉलो कर सकते हो, लेकिन उससे पहले फॉलो करने के लिए आपको मुझे टेलीग्राम पे फॉलो करना होगा, आप टेलीग्राम पे ये नंबर या ये नाम सर्च करो मैं मिल जाऊंगा, जैसे ही टेलीग्राम पे आप ये नाम सर्च करोगे आप मेरे, जैसे ही टेलीग्राम चैनल पे पहुंचोगे वहां पर मैंने लिंक फॉरवर्ड किया हुआ, जैसे उसे क्लिक करोगे आप ऐप पे आ जाओगे, ठीक है, और ये बिल्कुल फ्री है, ठीक है, ये बिल्कुल फ्री है, तो ये कोई सब्सक्रिप्शन वालों के लिए नहीं है, तो समझ में आया, तो ऐसे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 27 कर लिया, रिवर और रिवर से रिलेटेड था, फिर वापस वही बात है, आप मुझे फॉलो कर सकते हो रोहन हिमांशु झा के नाम से टेलीग्राम पे आप कर लो, और अगर कभी भी सब्सक्रिप्शन चाहिए 10% डिस्काउंट का तो मेरा कोड याद रख लो ROH10, कोड याद करोगे तो 10% डिस्काउंट मिलेगा। थैंक यू सो मच अक्षय हजारे, थैंक यू सो मच डियर जी, थैंक यू सो मच फॉर प्रेजेंस, आप लोगों ने अपनी प्रेजेंस दिखाई, क्वेश्चन सॉल्व किए, कुछ सीखा, हाँ दे देंगे बिल्कुल सचिन योगी, बिल्कुल क्वेश्चन मिल जाएगा आपको टेलीग्राम पे, नो व्हाट्सएप नंबर बच्चे, ओनली टेलीग्राम, नो व्हाट्सएप, ठीक है, बहुत बढ़िया, सीखते जाओ, सारा खेल तो उसी का है। थैंक यू सो मच अंबिका, हाँ, अंबिका आप टेस्ट शुरू हो जाएंगे, बेसिकली टेस्ट सीरीज में जो मंथ का जो लास्ट जो 10 डेज या 1 वीक चलता है वहां से फिर हम लोग टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर लेते हैं। थैंक यू सो मच सचिन योगी, थैंक यू सो मच, तो अंबिका आप टेस्ट सीरीज स्टार्ट होंगे, हमारे यूट्यूब पे भी स्टार्ट होंगे और इस पे भी स्टार्ट होंगे,
लीडर बोर्ड, यहाँ लीडर बोर्ड तो खत्म हो गया, यहाँ लीडर बोर्ड दिख नहीं रहा मेरे को। लीडर बोर्ड है क्या, कहाँ आता है देख लेता हूँ, लीडर बोर्ड है कि नहीं है। अच्छा हाँ है, तो ये लीजिए आपका लीडर बोर्ड यहाँ पे है। फर्स्ट नंबर पे आपको जो दिख रहे हैं हिमांश बाबू हैं, सरित प्रीतम सेकंड नंबर पे है, अक्षय कोलेकर जी हैं थर्ड नंबर। तो आप सभी को जो है शुभकामनाएं, से पता चलता है कि आप लोगों ने एफर्ट डाला है, एफर्ट लगना भी चाहिए क्योंकि सीखने में कोई बुराई तो है नहीं। और फोर्थ नंबर पे अंबिका, फोर्थ नंबर पे हैं डियर जी आप, कोई दिक्कत नहीं हो, मिस द शॉट, बट नेक्स्ट टाइम डेफिनेटली हम लोग फर्स्ट सेकंड थर्ड पे आएंगे, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस मेन चीज है कि हमने सीखा कितना। ठीक है, तो साजिया खान फिफ्थ नंबर पे, सिक्स पे काजल, सेवन्थ पे सौरभ सोडी, एट्थ पे हजारे जी हैं अक्षय जी, नाइन्थ पे गौरी गुप्ते एंड टेंथ पे अनन्या सिंह। ठीक है, आशा कुमावत जी आ गई। ठीक है, ये था हमारा शेयर बोर्ड। और आशा जी माफी चाहूंगा, मैंने आपको पहले बताया है, हाँ गलतियों से सीखना जरूरी है। तो आशा कुमावत जी, मैं आपको बता चुका हूँ कि हमारा आज का सेशन विंड अप हो चुका है। आप जाते जाते मेरे इस चैनल को, जो लर्निंग ऐप पे जो आप लोगों को मेरा प्रोफाइल है, वहां जाकर के मुझे फॉलो कर लेना, ताकि मेरी जितने भी वीडियोज आएंगी सारी की सारी का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ठीक है, और अगर किसी का कोई सवाल है तो आप मुझसे पूछ भी सकते हैं। इफ एनी पर्सन हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क मी। और कोड जरूर याद रखना डियर जी, कोड ROH10, कोड इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, कोड इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। चलो थैंक यू सो मच डियर जी, थैंक यू सो मच, चलो इंजॉय करो। क्लियर, चलो तो चलो फिर आज का सेशन विंड अप करते हैं बच्चे। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, कुछ नया लेकर के आते हैं। तो जाते जाते फॉलो कर लेना मुझे जिन्होंने नहीं किया है, ताकि मेरी जितने भी जो सेशंस आते हैं सारे सेशंस का आप लोगों को लिंक, जो नोटिफिकेशन है वो मिल जाए। नोटिफिकेशन जरूरी है क्योंकि आइडिया नहीं लग पाता। कई बार क्या होता है कि आपका समय थोड़ा सा व्यस्त चलता होता है, उस वैसे समय में जब ऐसा नोटिफिकेशन आएगा तो कम से कम ये होगा कि हाँ यार है आप, मतलब अच्छा। अनुप्रिया अभी मिले हो, पता नहीं ऐसी ऐसी कंप्लेन आती रही है कि भैया नाम सर्च करने से आता नहीं है, इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि आप मुझे फॉलो कर लीजिए टेलीग्राम पे, क्योंकि वहां पर मैं सीधे लिंक फॉरवर्ड करता हूँ, तो लिंक पे क्लिक करोगे तो सीधे आ जाओगे, वरना ऐसा कुछ गड़बड़ है कि नहीं मिल पाता, काफी टाइम लग जाता है, कई स्टूडेंट सर्च करते हैं बट नहीं हो पाता। चलो बहुत बढ़िया अनुप्रिया, फॉलो कर लेना। ठीक है, तो नोटिफिकेशन आने से है ना आप अलर्ट हो जाते हो कि हाँ एक क्लास होने वाली है या हुई है। और जब आप फ्री हो जाते हो तो कोई टेंशन नहीं है, लाइव नहीं है तो आप फ्री सेशन में भी, फ्री टाइम में भी आकर के आप उस नोटिफिकेशन को क्लिक करोगे तो वीडियो आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगी, इसलिए फॉलो करना जरूरी हो जाता है। तो आज के लिए फिर अगर किसी का कोई डाउट है तो जल्दी जल्दी पूछ लीजिए। पास्ट ट्रॉफी, पास्ट ट्रॉफी मतलब अनुप्रिया, पास्ट ट्रॉफी मतलब थोड़ा सा एक्सप्लेन करो मुझे, इसका आइडिया है नहीं।
नहीं क्या मतलब पास ट्रॉफी क्या? मैं नहीं समझ नहीं पा रहा हूँ नाम पे कैसे। नाम तो मेरा सिंपल है ना, रोहन झा। और जैसे आप लो रोहन झा लिखोगे तो आना चाहिए ट्रॉफी। आप ट्रॉफी तो नहीं कह रहे, जो अलग अलग बच्चे ट्रॉफी मतलब लर्निंग पे जो मिलता है ट्रॉफी, आप वो बात कह रहे हो क्या? मुझे आइडिया नहीं है इसका कुछ भी। हाँ अच्छा, पेस्ट ट्रॉफी। ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा इस नाम से सर्च होता है। अच्छा नहीं मुझे आइडिया नहीं था कि मैंने ये भी लगा रखा है। चलो इसको बदलते हैं इसको। थैंक यू सो मच अनुप्रिया, बहुत गहन विषय आपने बता दिया। मतलब ये तो काफ़ी विश्लेषणात्मक अध्ययन किया आपने, मुझे इसका आइडिया नहीं था। कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर हम सर्च करते हैं बट मिल नहीं पाते आप, तो ये करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। मैं देख लेता हूँ अभी सामने से ही, ये आ रहा है कि नहीं आ रहा ऐप पे। चलो कोई दिक्कत नहीं, चलो विंड अप करते हैं आज के सेशन को। थैंक यू सो मच डियर जी फॉर द प्रेजेंस। तो जो बाद में ज्वाइन कर रहे हैं वो बच्चे हैं ना, जा करके पीछे पीछे जा करके वो दोबारा रिवीजन कर सकते हैं। किसी का डाउट हो तो नेक्स्ट क्लास में हम ले लेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू मच। गुड नाइट, स्लिप टाइट, लॉट्स ऑफ लव। छोड़ दो उसको, चुको, आया आया आया, जा फटाफट आ जा, चुकड़े आ जा बेटा, आ जा आ जा।